ऐसे रखना ऊपर है, मुंह ऊपर है, ठीक है, क्योंकि इसका मुंह देखो सीधे है, तो मुंह ऊपर के रखना और लकड़ी ऊपर रखना लकड़ी के चलो चलो जल्दी चलो, सत्संग का समय हो गया, सब लोग सामने आके बैठा करो, तब वचन तुम्हारी समझ में आएंगे, इधर उधर बैठोगे तो नींद आ जाएगी, क्योंकि काल का बड़ा सख्त पहरा है, इसीलिए दयाल के वचनों को सामने सुनोगे तो बहुत चेतनता रहेगी, क्योंकि अभी आपकी समझ में कुछ आया नहीं है, उसको जबरदस्ती आपको सुनाया जा रहा है कि धीरे धीरे सुनते सुनते कभी तो बदल जाओगे, इसलिए जब आप भजन करते हो तो मन को आसन नहीं देते हो, ऐसे रजाई ओढ़ लिया और आराम से बैठ के तो नींद आ जाएगी। पद्मासन, वज्रासन, सिद्धासन, ये तीन आसन है, ये मन की बैठक के तीन आसन, पद्मासन, सिद्धासन और वज्रासन, जब इन पर बैठोगे तो नींद नहीं आएगी, और कमर को बिल्कुल सीधा करके एकदम जब सीधा करके मयूरासन में बैठोगे तो मन में चेतनता रहती, फिर आपको तंद्रा, निद्रा, उंघाई, जमुहाई कुछ नहीं आएगी, इसलिए थोड़ा सा भाई कोई काम करो तो आराम तल भी छोड़ो आप, ये तो मन आराम चाहता ही है, आरामों से तो इसको विराम हुआ ही है, कम से कम जब भी बैठा करो सत्संग में आओ तो बिल्कुल आसन पर बैठो जम से जाकर, और तुम्हें आराम से बैठ जाते हो, नींद आने लगेगी, क्योंकि शरीर की बैठक में नींद है, और जो बैठक मन की बताई गई है कि मन की बैठक कहाँ है, अभी तो आपने इसकी बैठक ही नहीं बनाई, कहीं इसका ध्यान किया, कहीं उसका किया, और उसी का, पड़ोसी का, इनका और उनका, अरे सबका ध्यान करके देख लिया क्या मिला आपको, लोगों ने पुराने युग के नामों को ध्यान किया, कोई हरि नाम जप रहा, कोई राम सीताराम जप रहा, कोई राधे श्याम जप रहा, लेकिन मिला कुछ नहीं, क्योंकि वो नाम अपने अपने समय के, वो तुम्हारे लिए तुलसान नाम नहीं है, हरि नाम हरियु सतयुग के लोगों के लिए, और राम नाम त्रेता के लोगों के लिए, और कृष्ण नाम द्वापर के लोगों के लिए, तुम्हारा तो नाम है, तुम तो कल युग में बैठे हो, तुम्हारा इसमें कोई नाम नहीं, कैसे तुम्हारे पिताजी चले गए, अब घर में उनका फोटो लगा लो, क्या उनका स्मरण करो तो आएंगे वो, क्या उनको याद करो बुलाओ तो आएंगे, या तुम्हारा कोई काम मदद करेंगे, वो तो मदद करने का समय चला गया है, जब वो शरीर में आए थे तो शरीर से आपका काम कर दिया, इसलिए हमें आपको ये सब समझना है,
कि तुमने सबका नाम लिया और सारे देवी देवताओं के नाम ले लिया, लेकिन कोई आज तक मिला नहीं, ना कोई आया, न किसी ने तुमको कुछ बताया, न दिया न लिया, कुछ नहीं। ये सब मतलब जो व्यवहार ही नहीं जानते हो भी। अरे भाई, परिवार में रहते हो, समाज में रहते हो, तो जब जिनका नाम लेते हो, बुलाते हो, जब जरूरत पड़ती तो मिल गए तो आपका काम हो गया है, और अगर मिले नहीं तो बुलाने से काम नहीं, तो मिलने से काम होगा। इसी तरह से सबको आपने बुलाया, सबको भजा, इनको याद किया, उनको याद किया, लेकिन तुमको किसी ने नहीं याद किया। तुम्हारी याद किसी की आई, किसी को आई, तुम्हारे परेशानी, तुम्हारी दुख तकलीफों को किसी ने ध्यान दिया, सुना, फिर भी नहीं तुम्हारी समझ में आता है कि फरियाद जहाँ बेदर्द हाकिम वहां फरियाद क्या करना, यहाँ कोई है ही नहीं, सुनने वाला नहीं, समझने वाला नहीं, तुम्हारी परेशानियों को दूर करने वाला नहीं है, तो ये बताओ ये तुम्हारी मदद करेगा कौन? तो कहा समय के नाम, हर समय इसीलिए अलग अलग नाम आया, समय के लोगों के लिए आया कि किसी में कोई भूल भ्रम पैदा ना हो, और तुम्हारे लिए कोई नाम मिले नहीं। तुम जरा पिछले नामों के याद, कोई हरि नाम याद कर रहा, कोई राम नाम याद कर रहा, कोई राजेश राम को याद कर रहा, कोई ओम नमः शिवाय जप रहा, जरा जपने में जुटे पड़े, लेकिन उनको यह पता नहीं है, अरे भाई तुम्हारे लिए, तुम्हारी मदद इंदा सहयोग के लिए कौन सा नाम आया। इसीलिए नाम की जानकारी करो, बगैर नाम के काम नहीं होगा, और जो काम करने आए चले गए उनसे भी तुम्हारा काम नहीं होगा, वो तो काम करके चले गए, उनका इतिहास इसलिए लिखा गया कि तुम समय के नाम की तलाश करो, जब समय का नाम मिल जाएगा तो तुम्हारा भी काम हो जाएगा, काम तो नाम से होगा। जय गुरुदेव, जय किसका, यह गुरुदेव नाम किसका, यह गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का प्यारा नाम। समृद्ध दाता दयालु पूज्य स्वामी जी महाराज, आज के इस प्रातःकालीन नैमिषारण्य की तपोभूमि पर लघु सत्संग में सम्मिलित होने वाले समस्त संगी प्रेमियों, ये हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि हमें करना क्या है, हमें देखना किसको, हमें सुनना किसको, हमें याद किसको करना। तो कलयुग में स्पष्ट बता दिया संत महापुरुषों ने कि ध्यान मूलम गुरु मूर्तिम, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, और मोक्ष मूलम गुरु कृपा। ये सब गुरु पर निर्भर है, गुरु जीता जाता, गुरु आंख से देख के, कान से सुन के, बुद्धि से विचार करके करते हो, और बाकी आपने किसी को देखा नहीं, न राम को देखा, न कृष्ण को देखा, न हनुमान को देखा, न ब्रह्मा को, न विष्णु को, न शंकर को, किसी देवी देवता को देखे नहीं आपने। जब देखा नहीं, बिन देखे कहा देखे बिन न होए प्रतीति, और बिन प्रतीत तो होए नहीं प्रीति, बिना आंख से देखे किसी से प्रेम नहीं होता, और तुमने किसी को देखा नहीं और प्रेम लगाए बैठे हो, कोई पत्थर से प्रेम कर रहा, कोई कागज कैलेंडर टांगे घूम रहा, इनको ये भी नहीं पता है कि हमें देखना किसको है, हमें सुनना किसका है, हमें याद किसको करना है, किसके पास बैठना है, किसको छूना किसको नहीं छूना है, किसका खाना किसकी कमाई का नहीं खाना, ये सब विचार करना चाहिए। ऐसे कुछ होने वाला नहीं है, अगर कुछ होने वाला होता तो सबका हो गया होता। आपने आधार कोई ना कोई बनाया, कोई पत्थर की मूर्ति, कोई कागज कैलेंडर की मूर्ति, कोई तरह तरह से आपने याद किया, लेकिन किसी ने तुमको याद नहीं किया, तुम्हारी फरियाद किसी ने नहीं सुनी, तुम्हारी मदद किसी ने कही, तुम्हारे दुख तकलीफों को किसी ने दूर नहीं किया, तो फिर तुमने ढूंढा किसको? अरे खोज तो उसकी की जाती है, मिला उससे जाता है, तलाश उसकी की जाती है जिससे कुछ काम होता है,
और काम नहीं हुआ तो तलाश का मतलब क्या है? तलाश माने खोज। तभी कहते गुरु कोई खोज करो भाई, और बिन गुराग कोई नहीं पाई। मृत्यु मंडल पर जीता जागता देवता गुरु का उसकी खोज करो, जब वो मिल जाएंगे तो आपको सब तरह की यानी मतलब काम करने की सारी युक्ति आपको बता देंगे कि तुम्हें क्या करना क्या नहीं करना, किसकी सेवा करनी किसकी सेवा नहीं करनी। आप घर गृहस्थी परिवारों में रहते हो, अगर गाय की गाय को पाला तो गाय की सेवा करते हो, किसने करते हो कि हमको दूध देगी, बगैर फल के सेवा नहीं होती। और तुमने जिनकी सेवा की उन्होंने क्या दिया तुमको? अरे इससे तो गाय की सेवा दूध तो देती है। तुमने जितनी सेवा आज तक की सेवा माने पूजा, इसी को पूजा कहते, पूजा माने सेवा। जिनकी जिनकी आपने पूजा की सेवा की उन्होंने तुमको क्या दिया? कभी बैठ के बिचारे नहीं किया कुछ? अंधा नुकरण है सब, जग अंधा पुनि अंधा, ताते मच गई अदा धुंधा, यहाँ तो अदा धुंध मची हुई। पत्थर के नाम पर, कागज के नाम पर, मंदिर के नाम पर, मस्जिद के नाम पर, गुरुद्वारे के नाम पर, मतलब यानी गंगा के नाम पर, यमुना के नाम पर, गीता के नाम पर, पुराण कुरान बाइबिल गुरु ग्रंथ साहब के नाम पर लूट मची हुई, लूट मची हुई। और लूट किसके लिए कहा गया तो वो भी नहीं सुनते। अरे राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंत समय पछताओगे जब प्राप्त जाएंगे छूट। तुमको अपने समय की नाम की लूट करनी चाहिए। संत महापुरुषों ने कितना नाम लुटाया, इतना नाम तो किसी ने धरती पर लुटाया नहीं। लुटाने का मतलब जिसके बदले में आपसे कुछ नहीं लिया, न कोई पैसा लिया, न कोई सामान लिया, न आपसे सम्मान लिया, और लुटाया आपको, दे दिया, पूछा भी आपसे नहीं कि तुम करने लायक हो कि नहीं हो, कितने पापी हो, कुकर्मी हो, कितने गंदे हो, कुछ नहीं पूछा। इसको कहते हैं हमदर्दी। जब हमदर्द होता पूछता नहीं हो तो काम करता है, भाई अगर पूछेगा तो फिर काम नहीं करेगा, क्योंकि हम आप उस लायक है नहीं, इतने गंदे कमजोर हैं, इतने भोगी और विलासी कि हमारे पास कोई शक्ति सामर्थ कुछ नहीं, ना तन बल, न भन मन बल, न बुद्धि बल, न चरित्र बल, कुछ ही तो बल नहीं है, एकदम बलहीन कमजोर है। तो मैं आपको ऐसे की तलाश करो कि हम करने के लायक नहीं है, ऐसे समर्थ की तलाश करो जो तुम्हारा काम सब कर दे, रात तुम्हारा काम कर दे। ये तो कभी तुम कहते नहीं हो, सत्संग में कभी आते नहीं हो, आते हो तो अपनी मौज मर्जी से आते हो। अरे भाई किसी कुछ लेना है तो उसके अनुसार लो, जब वो यानी देगा और तुमको उस लायक समझेगा तभी तो देगा आपको। तुम अपनी अनुसार लेना चाहते हो तो कुछ नहीं, तुम्हारे अनुसार यहाँ कुछ मिलेगा नहीं, नहीं तुम अपने अनुसार नहीं लो। हाँ अपने अनुसार ये भौतिक सामान बाजार में गए और पैसा दिया, अपने मन मुताबिक चीज ले लिया आपने, वो तो ठीक है शरीर के लिए तो ठीक है, लेकिन आत्मा के लिए तुम्हें कौन देगा? आत्मिक शक्ति आपको कौन प्रदान करेगा? इस पर हमें आपको विचार करना चाहिए। तो संत महापुरुषों जब आए उन्होंने नाम का आधार रखा कि बगैर नाम के काम नहीं होगा, और यहां सबका नाम रखा, इस भौतिक जगत में बगैर नाम की कोई चीज नहीं, और अध्यात्म में भी नाम रखा गया, और दोनों नाम का काम अलग अलग, भौतिक नाम का काम अलग और अध्यात्मिक नाम का काम अलग। अब दोनों नाम की अगर महिमा समझ लो तो भाई किस नाम से मैं कौन सा काम कराना, कौन सा काम लेना है, और किस नाम से कौन सा। तो भौतिक नामों से तो आप शरीर का काम ले लिया, वो तो ठीक है, और आत्मा के लिए कोई नाम आपने पाया या लिया या खोज किया या तलाश की, कुछ नहीं, वो तो जबरदस्ती महापुरुषों ने दे दिया, चलो इसको नाम पकड़ा दो, नाम एक सहारा है, नाम एक आधार है, नाम एक उपाय है, नाम एक युक्ति है, नाम एक माध्यम है, तो आपको पकड़ा दिया। तो जरा दो वचन सुन लीजिए कि हमें करना क्या है, हमें किसको भजना है, किसको याद करना है, किसको देखना है, किसकी शरण में जाना है, किससे फरियाद करना है,
कौन हमारी मदद करेगा, कौन हमारी दुख तकलीफों को दूर करेगा, यह सब जानकारी सत्संग से होती है। बिना सत्संग के आप कुछ समझ ही नहीं सकते। अगर सत्संग मिला होता तो सब समझे समझाए होते। तो यहाँ तो तीन तीन युगों से कोई बीती बातें बताई जा रही, कथा वार्ता जिसे कहते, यानी कीर्ति कीर्तन, तन माने शरीर से है, जिसने कुछ किया उसी का हम लोग बखान करते चले आ रहे। अरे उसने शरीर से जो किया तो उसको मिला, हम अपने शरीर जो करेंगे हमको मिलेगा। दूसरे की शरीर का किया हुआ काम की प्रशंसा करना, गुणानुवाद करना तुम्हारे काम नहीं आएगा, बस अभी आ जाते। तब देखो आरती करते, कोई कहते हनुमान की आरती कर रहे, शंकर जी की आरती, अरे भाई उनकी आरती करने से तुम्हें क्या मिलेगा, क्योंकि वो तो है नहीं, और जहां है वहां तुम पहुंचे नहीं। है तो सब, लेकिन यहाँ कोई नहीं। ये है मृत्युलोक, या जो भी जन्म लेगा उसके मौत के हवाले उसको होना पड़ेगा, चाहे ज्ञानी ध्यानी कुछ भी हो, मौत की शरण में तो जाना ही पड़ेगा। इसीलिए उसका नाम रखा मृत्युलोक, जिसको मरना हो आया आए, तभी लोग कहीं कहें मरने आ गए। अब तो सही है, मरने तो आए हैं, लेकिन इस जन्म और मरण के विधान को समझो तो पहले, कि जन्म लिया तो किसने लिया, और फिर मर गए तो क्या मतलब निकला, जन्म का मतलब क्या। जन्म जीवन और मृत्यु, ये तीन चीजें हैं। जन्म तो हो गया, अब मृत्यु तक हमारा जीवन कैसे कर निकले, मृत्यु निश्चित है, आगे मृत्यु बैठी है, लेकिन उस मृत्यु तक जाने में हमें क्या करना, कि हम अपना काम बना ले, मौत तो ही जाएगी, शरीर तो एक दिन चला जाएगा, इस शरीर से काम ले लो। तो लोगों ने क्या कहा, हाँ भाई काम से काम ले लो, तो कमाई पैसा कमाया, मकान बनाया, दुकान बनाई, जमीन बनाई, बाल बच्चे बनाए, यही आपने बनाया, लेकिन जीवात्मा का काम कभी बनाया, इसके बारे में सोचा है कि हमारा ये काम कौन बनाएगा, जीवात्मा का, हमारी जीवात्मा को कौन जगाएगा, परमात्मा से कौन मिलाएगा, इसको अपने सत्य घर मुकाम मंडल लोग कौन पहुंचाएगा, ये काम कौन बनाएगा, इसके लिए आपने कभी नहीं सोचा। बस यही कहना हो, जमीन बनाएंगे, दुकान बनाएंगे, मकान बनाएंगे, मतलब शादी का बनाएंगे और बाल बच्चे बनाएंगे, तो इसमें तुम्हारा कौन सा काम होगा, ये तो दुनिया सभी कर रही, सारे जीव यही करते, सबके बच्चा पैदा होते, चाहे पशु हो, चाहे पक्षी हो, चाहे कीड़े मकोड़े जंगली जानवर, ये काम तो सभी करते। छह काम में सारी सृष्टि है, आहार निद्रा भय मैथुन, खाना पीना सोना कमाना, मल मूत्र त्याग करना, आलावला बच्चे पैदा करना, ये दो शरीर की क्रिया तुम जान गए, और सब शरीर की क्रिया कर रहे, लेकिन शरीर में जो आत्मा बैठी है वो आत्मिक क्रिया कौन बताएगा, आत्मा की क्रिया कौन सिखाएगा। तो कहा कि जरा पहले ये समझ लो कि हमको याद किसको कहना, आपने बहुतों को याद किया, उससे क्या मिला, उससे मिला कि सब कुछ चला गया, जिनको याद किया उन्होंने लूट लिया, उन्होंने तुम्हारी शक्ति शरीर की ताकत को खत्म कर दिया, तो दिया कि लिया। हम लोग यही आज तक नहीं समझ पाए कि हम वो दे रहा, कि हमसे ले रहा, हमें कुछ मिल रहा, कि हमारा जा रहा, हम इसी को साथ तक नहीं समझ पाए लेन देन को। फिर ये लेन देन नहीं समझ पाए तो कर्मों का लेन देन कैसे समझोगे, वो कर्मों का लेन देन कौन पूरा कराएगा। इसलिए सत्संग की बहुत बड़ी आवश्यकता है। तभी संत महापुरुषों ने जीवों को जगाने, चिताने, होश में ले आने के लिए, सही सच्चे रास्ते पर खड़ा करने के लिए सत्संग जारी किया। सत्संग करते 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 उन्होंने बड़े बड़े चोर डकैत कतलियों को बदल दिया। ये है संतों का विज्ञान भारत में, ये काम कोई किसी विज्ञानी ने नहीं किया। यहाँ चोर डकैतों को किसी ने बदला नहीं, मार दिया, काउंटर करा दिया, हत्या करा दिया, हिंसा करा दी, अरे भाई इससे तो और चीज भड़केगी। लेकिन संत महापुरुषों ने इस खूनी क्रांति को नहीं अपनाया, उन्होंने वैचारिक क्रांति को अपनाया, अपने शुद्ध सही सच्चे विचारों से कितने को बदल दिया। यहाँ तो अच्छे ही आए थे,
ये सब खराब आए, शराबी गुलाबी आए, व्यभिचारी कुचारी आए, झूठ छटपट बीमारी करने वाले, धोखाधड़ी करने वाले, हिंसा करने वाले, ये सब आए हैं और कितनों को बदल दिया गया, और धीरे धीरे बदल जाएंगे। इसको कहते हैं परिवर्तन, और यहाँ हुआ हमेशा परावर्तन, परावर्तन को परिवर्तन कह दिया। परावर्तन माने थोड़ा सा ऐसे ऐसे थोड़ा ऐसे, यानी कुछ उसने शुद्धिकरण कर दिया, सुधार कर दिया थोड़ा बहुत इधर उधर करके। लेकिन जो संत महापुरुष परिवर्तन करने आए, परिवर्तन माने ऐसे से बिल्कुल ऐसा एकदम स्थिति को उलट दिया, विचारों को तुम्हारे बदल दिया, खान पान को बदल दिया, संग सुबत को बदल दिया, रहनी गहनी को बदल दिया, तुम्हारे कर्मों को बदल दिया। इसको कहते हैं परिवर्तन। परिवर्तन की शुरुआत यहीं से होगी, जब तक खान पान नहीं ठीक होगा, क्योंकि हमारा सारा जीवन तो आहार पर डिपेंड है, आधारित है, कि अगर आहार खराब तो विचार खराब। जैसे हम आपको दूध पिलाए तो गाली दोगे, आप पानी पिलाए, चाय कॉफी पिलाए, जूस पिलाए, गाली दोगे। अगर शराब पिला दी जाए, तुरंत विचारों में परिवर्तन, तुरंत बुद्धि में कुप्रभाव, रिएक्शन कहते हो आप, यह तुरंत पैदा हो जाता है। तो हमें आपको ये समझना है कि हम बिगड़े हैं तो किससे बिगड़े, किस किस चीज से बिगड़े, पहले ये समझो। खान पान से बिगड़े, संग सुबह से बिगड़े, इधर उधर से बिगड़े, देखने में सुनने में समझने में बिगड़े। हम बिगड़े कैसे, जब बिगाड़ की स्थिति समझ में आ जाएगी तब तुम बनने की सोचोगे। अब हम बने कैसे, वो बनाने वाली स्थिति कौन है, कहा ये सत्संग ये बनाने वाली स्थिति, ये सुनाया नहीं जाता आपको बनने के लिए, आपको बदलने के लिए, आपके खान पान को बदलने के लिए, विचारों को बदलने के लिए। देखना सुनना उठना बैठना बोलना चलना सोचना समझना ये करना कहना, ये सब बदलने के लिए आपको सुनाया जा रहा। जिस दिन से आप सत्संग में शामिल शरीक हो जाओ और आपकी गोकु नाम की युक्ति मिल गई, बस उसी दिन से ये समझो जो हम पहले थे अब नहीं है, तब तो ठीक है, आप खुद कर लो। यहाँ जैसे आए थे वैसे चलेंगे, तो मतलब क्या निकला तुम्हारा सत्संग में आने का, सत्संग सुनने का, सेवा करने का, सेवा देने का, दर्शन करने का, भजन करने का, मतलब क्या निकला। जब तुम जैसे आते वैसे लौट गए, तो लोग पूछेंगे भाई सत्संग में गए थे क्या नहीं किया है, तो क्या बताओगे आप, कल सुना था लेकिन याद कुछ, तो कल मतलब क्या है, करने क्या गए थे। जब कहीं जाते हो कुछ लाभ की इच्छा से, कुछ लेने की इच्छा से जाते हो, लेकिन जब सत्संग में आए हो तो कौन सी इच्छा ने किया। यहाँ सब कहते हैं बीमारी दूर कर दीजिए, ये दीजिए, बच्चा दे दीजिए, ब्याह शादी करा दीजिए, मतलब यानी ये तरह तरह के सांसारिक काम। अरे तो दुनिया करे बैठी उनको देख लो, ये क्यों रो रहे, क्यों परेशान है, क्यों तकलीफ में है, भागे भागे दौड़े दौड़े घूम रहे, किस कारण। तो जब कारण का पता चल जाएगा तो निवारण हो जाएगा, बिना कारण के निवारण नहीं होता। तो तुम्हें अगर कुछ करना है तो आगे तुम्हारे जो कर रहा है या कर रहे थे उनको देख लीजिए आप, इन्होंने जो किया तो क्या मिला, इन्होंने शादी की तो क्या मिला, बर्बादी, शरीर की बर्बादी, शरीर के तत्व की बर्बादी, जो कुछ था वो भी बर्बादी, बुद्धि के विवेक ज्ञान का बर्बादी, क्या मिला इसमें आपको। लेकिन यहाँ खोकर भी लोग नहीं समझ रहे, रोज खोते हैं, रोज सोते हैं तो सोने का मतलब नहीं समझते, रोज खाते हैं खाने का समझते, पीते पीने का मतलब नहीं समझते हो, मतलब यानी जब जो कर रहे हो उसको नहीं समझ पा रहे हो, तो ये तो कभी आपने भजन तो किया ही नहीं, इसको कैसे समझो। जो काम कहीं कभी नहीं किया वो तुम्हारी समझ में भी नहीं आया, इसलिए महापुरुषों ने कहा अरे भाई जो कर रहे हो पहले उसी को छोड़ के देखो, उसी को छोड़ देखो। तुमने जिनको जिनको अपना साथी बनाया चुना, क्या उन्होंने तुम्हारा कोई काम किया, तुमने तो चुना, लेकिन उन्होंने तुम्हारा कोई काम चुना आज तक, कुछ नहीं। यही है भ्रम, यही है अंधकार, यही तो अज्ञानता है, और इसी को हमें आपको दूर करना। और यह अज्ञानता भूल भ्रम
का बिन सत्संग विवेक न होई स्पष्ट कह दिया। बिना सत्संग के बुद्धि में विवेक ज्ञान सूझ और समझ और निरख और परख ये हो ही नहीं सकती। जब एक स्पष्टीकरण मिल गया आपको, एक साधन रास्ता मिल गया कि बगैर इसके हमारा काम नहीं होगा, तो हमको उसे पहले करना चाहिए, उस काम को पहले करो तो अच्छा हो जाता। तो कितने दिनों से लोगों ने सत्संग सुना और कितने को सुनाया गया और किसी ने न सुना न किसी ने समझा और सब भाग गए, सब शरण छोड़कर ही चले गए। तो सुनाने बताने और ले आने का मतलब क्या निकला, या तुम्हारा आने का मतलब क्या निकला? इसलिए संत महापुरुषों ने कहा, पहले तो आप सत्संग में आना सीखो कि सत्संग में किस लिए आया जाता, किन भाव विचारों को लेके आया जाता, फिर हमें यहाँ बैठ के करना क्या है, सुनना क्या है, समझना क्या है, देखना क्या है, जिससे हमारा बिगड़ा काम बन जाए। आप काम बनाने आए हो और काम तुम्हारे अनुसार तो बनेगा नहीं। अगर अपने अनुसार बनाना होता तो घर गृहस्थी परिवार वाले तो बना लेते आप, फिर आने की क्या जरूरत है। भाई किसी से कुछ लेना होता है तो उसके अनुसार मिलेगा, तुम्हारे अनुसार कुछ नहीं मिलेगा। जबरदस्ती कह के आप ले नहीं सकते, और मतलब वो तो प्रेम का सौदा है। जब प्रेम से लोगे तो मिल जाएगा, और कहा भी कि और मैं किसी से मिलते नहीं, प्रेम से प्रकट हो मत जाना। जो प्रेम करेगा मैं प्रकट हो जाऊंगा। रुपए पैसे धन दौलत सामान से जाति से तुम्हारे रूप और रंग से तो मिलूंगा नहीं, अगर प्रेम है तो मिल जाओ। और प्रेम पाक साहब ने पवित्र था, और प्रेम गुरु को निगंदा कर दिया, तुमने जहाँ प्रेम किया है सब गंदगी के क्रम की। अरे गंदगी में प्रेम है, प्रेम है किसके पास? कहा संतों के पास खजाना है। प्रेमी दीवाना होता है, जब प्रेम खजाना मिलता है प्रेमी दीवाना होता है। कहा वो खजाना है कहाँ? कहा वो संतों का। प्रेम न उपजे पावड़ी प्रेम न हाट बिकाए। कहा वो खेतों में प्रेम, कियारियों में फुलवारियों में प्रेम नहीं मिलता है, बाजार में वो बिकता भी नहीं है, न कोई देने वाला है। कहा जब संतों की शरण में जाओगे वो प्रेम की परिभाषा बताएंगे कि प्रेम किससे करना है, जो तुम्हारा काम करे, तुम्हारा सहयोग करे। अब यहाँ तुम जिससे प्रेम करते हो पहले तुम्हारा चरित्र लूट लेता है, सर्वप्रथम चरित्र लूटेगा। अरे लुटेरा ये प्रेम कर रहा कि लूट रहा? अभी तुम नहीं समझ पाए इसी को तुम, क्योंकि तुमने सत्संग नहीं किया। तुम दोस्त तुम संतों की शरण में गए और अपने अनुसार इच्छा अनुसार वहां छोड़ के चले आओ। तो कहा तुमने सबको भजा है, सबको याद किया है, अब जरा जो गुरु रास्ता बता रहे जरा उसको बचकर देखो। तो क्या कह रहे, दो बचन सुन लीजिए आप। ऐसे मैं बताता रहूंगा तो आप कहोगे पता नहीं अपने मुंह से कुछ कह रहे, बना चुना के कह रहे। तुमने कहा जो संत महापुरुष आए भाई सबके वचन सुन लीजिए, आपको विश्वास हो जाएगा। वैसे महात्माओं को किसी का सहारा लेने की जरूरत नहीं, वो तो सब कुछ जानते, लेकिन फिर भी तुमको देखते हैं। तुम तो उनको जानते नहीं, वो तो तुमको जानते, लेकिन तुम उन महात्माओं को नहीं जानते। ये आंखों से देखना ये दर्शन नहीं है, कानों से सुनना ये श्रवण नहीं है। वो तो जब अंदर में पहुंचेगा, अंदर की आंख खुलेगी, कान खुलेगा, तब तुम उनको पहचानोगे। वो किस लिए आए, किस काम के लिए आए हैं, ये जानकारी तुम होगी। तो क्या कह रहे हैं, तुमने सबको भजा, स्त्री को भजा, पति को भजा, यानी बच्चों को भजा, आस पड़ोस को सबको यानी भजा, लेकिन तुमको किसने भजा, तुमको किसने भजा है? तो कहा जरा जो गुरु नाम देता उसको बच के देख ले कि मन तू भजो गुरु का नाम। कहा तुमने जिन जिन नामों को भजा
उसे तुमको क्या लेना, क्योंकि बिना देखे और बिना सोचे समझे आपने बजा, किसी को पत्थर का माध्यम बना लिया, कागज का डंडा टांग लिया, बजाती पूजा शुरू हो गई। अरे भाई किसको बज रहे हो, जो न देख रहा है, न तुम्हारा सुन रहा, न तुमको दे रहा, न तुमसे कुछ ले रहा, तो फिर तुम्हारे बजने का, बजने माने याद करने का मतलब क्या हुआ। कहते जरा गुरु ने जो नाम दिया उसको बज के देखा। गुरु को बजने का मतलब जो गुरु ने नामदान दिया, नाम का आधार सारा आपको पकड़ाया, जरा इस पर चलकर इस पर बज कर दे। अगर अपने को आपने भज लिया, कहते नहीं ये काम हमको भंज गया, यानी मेरे अभ्यास में आ गया। भजने का मतलब ये, जब अभ्यास हो जाएगा फिर आपको करना नहीं पड़ेगा, वो आपकी सुनता है, आपसे कहता आपको कुछ नहीं करना, केवल नाम को आपको इतना अभ्यास कर लेना है कि सोते जाते उठते जाते जब तुम्हारे मुंह से निकले तो नाम ही निकले, तब समझ लो कि आपने भजा। भजा माने आप उनमें नाम में मिले और नाम तुम्हें मिल गया, बस काम हो जाएगा आपका। तो समझा के क्या कह रहे हैं कि मन तो भजो गुरु का नाम, मन तुम भजो गुरु का नाम, क्यों भजो कि दया मेहर से नरतन पायो, 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 मत करना अभिमान, मत करना अभिमान, मन तुम भजो गुरु का नाम, मन तुम भजो गुरु का नाम। कहते ये शरीर मिला है, ये मत समझे ना कि तुमको कोई तुम्हारी इच्छा से मिला, तुम्हारी करने से मिला, कहानी दया मेहर से, एक बार उन्होंने दया कृपा मेहरबानी करके ये मानव शरीर आपको दे दिया। क्योंकि जब मानव शरीर में जीवात्मा आएगी, उस जीवात्मा को परमात्मा से मिलने का पूरा अधिकार है, और किसी शरीर में नहीं, जबकि आत्मा तो हर शरीर में, बगैर शरीर आत्मा के तो शरीर रह नहीं सकता। लेकिन उन शरीरों में जब पशुओं में जाओगे, पक्षियों में जाओगे, कीड़े मकोड़ों में, जंगली जानवरों में कर्मानुसार, लेकिन उसमें परमात्मा से मिलने का अधिकार नहीं है। बड़े बड़े अष्टभुज मोटे हाथी घोड़े ऊंट कितने मोटे मोटे शरीर वाले, बड़े बड़े शरीर वाले, तो शरीर तो है, शरीर में आत्मा भी है, लेकिन उस आत्मा को उस शरीर में परमात्मा से मिलने का अधिकार नहीं। क्यों अधिकार नहीं है? कोई शरीर एक तत्व का, कोई दो तत्व का, कोई तीन तत्व का, कोई चार तत्व का, लेकिन मानव शरीर ये पांच तत्वों से बना, क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच तत्व या रचित शरीरा, जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश, पांच मसालों को मिलाकर विचित्र कारीगरी से परमात्मा ने इस मनुष्य मंदिर को अपने हाथ से बना के तैयार किया। ये परमात्मा के हाथ का बना है, तुम इसी को खराब करने में जुटे पड़े, जैसे खराब हो जाए चरी से, खराब हो जाए चोरी से, खराब हो जाए नगदी से, खराब हो जाए हिंसा से, खराब हो जाए गंदे खान पान से, निंदा आलोचना बुराई से, सब तरह से तुम खराब करने में लगे हो। तुमको खराब करने का अधिकार कि परमात्मा से मिलने का अधिकार दिया गया, अभी तक यही नहीं समझ पाए। बड़े बड़े ऋषि मुनि, ज्ञानी ध्यानी ब्रह्मचारी, ये सब जिनको भगवान आपने कहा अवतारी शक्तियां, ये सब कैसे उसी में पड़े, किसी ने ये नहीं समझा है कि ये शरीर मिला क्यों, किस काम के मिला, क्यों दिया, क्योंकि उसके बाद तो बहुत शरीर है। जब चार खान 84 लाख योनिया जिसमें शरीर बनाए तो किसी में आपको डाल देता, लेकिन ये मानव तन में क्यों आया, इस शरीर में आपके वायु,
तो कहा कि ये मत समझना कि हमको मिल गया बाद में फिर मिल जाएगा, तो ऐसा नहीं है। वो तो बगैर कृपा के, बगैर दया के तो मिल ही नहीं सकता है। और मानव शरीर पाने के लिए तुम्हें उनकी कौन सी कृपा दया लेनी चाहिए, उनके आदेश हुक्म का पालन करना चाहिए। जो वचन बता दे उन वचनों को अमल करो, उन पर चलो, तब तुम्हें कुछ मिलेगा, ऐसे नहीं मिलेगा। कबहु कर करुणा न देही, देख इस बिन हेतु सनेही। कभी कभी करुणा निधान कृपा दया मेहरबानी करके ये मानव शरीर हमें आपको देते थे कि जाओ अब की बार इस शरीर से जीवात्मा का को पूरा अधिकार है, तो किसी संत महात्मा की तलाश करना और उनसे अपने घर का रास्ता पूछ लेना। उनके पास रास्ता, हर घर को, हर मंदिर मुकाम पर पहुंचने का उनके पास रास्ता है। वो ऐसा रास्ता बताएंगे, तुम किसी जाओगे सब जगह, सब मुकाम मंडल में जाओगे, लेकिन रुकोगे नहीं, क्योंकि वो आपका सच्चा घर बता देंगे कि तुम ये रुकने वाला नहीं है। इनकी जानकारी दो, इससे निकल कर आगे, क्योंकि ये सब स्टेज, ये मुकामी सुनने बनी हुई है, इन्हीं से होकर आप जाओगे। वो रास्ता उधर से, ये रास्ते में सब मिलेंगे। ब्रह्मलोक ब्रह्मा जी का ब्रह्मलोक मिलेंगे, ब्रह्मा भी मिलेंगे, विष्णुलोक में विष्णु मिलेंगे, और शिवलोक में शिव जी मिलेंगे, साकेत लोक में राम मिलेंगे, और कृष्ण गोलोक में कृष्ण मिलेंगे, और देवी देवताओं में देवलोक मिलेंगे। ये सब आपको मिलेंगे, लेकिन तुम्हारा इनसे मिलना नहीं, तुम अपने पिया पीतम से मिलो। अरे भाई आदमी बहुत है तो क्या, कि औरत सबके साथ मिलेगी, सबके साथ मिलेगी तो बेशक आज कही जाएगी। उसको तो एक पति दे दिया गया माँ बाप ने कि चलो ये आधार हमने बना दिया, अब तुम इन्हीं के साथ अपना जीवन निर्वाह कर, एक रास्ता बन गया। तो इधर उधर जो आंखों का पाप, कानों का पाप होता था बंद हो गया। पहले तो शादी नहीं हुई, चाहे लड़की हो चाहे लड़का, जो लड़का देखा अब बहुत सुंदर है, पढ़ा लिखा, कल इसके साथ मेरा ब्याह, फिर और दूसरा मिला उसके साथ, कितना पाप आप करते हो। इस पाप से बचने के लिए एक आधार रास्ता बना दिया कि एक को पकड़ा दिया, अब जो कुछ करना इसी के साथ करना, इसी के साथ। और तुम्हारे लेन देन इससे, ये तुमको मालूम नहीं है कि लेन देन किससे है, वो तुम आत्माओं को सब पता है, और सब वही लेन देन निपटारा के लिए आपका काम करा देते, और तुम समझ नहीं पाते उसको। आगे समझा के क्या कह रहे हैं कि एक दिन खाली पड़ा रहेगा, शरीर के बारे में बता रहे हैं। जिस शरीर को तुमने सर्व सर्व माना, रात दिन इसी को खिलाने पिलाने सजाने में पड़े, कहा एक दिन ये खाली पड़ा रहेगा। जीवात्मा के निकलते ही ये सजावट और बनावट और दिखावट तुम्हारी सब खत्म हो जाएगी, और घर वाले भी नहीं देखेंगे तुमने कितना सजाया है, कितने अच्छे कपड़े डाले, गहना गहना जेवर, तेल फुलेल क्रीम पाउडर ये सब आपने लगाया, ये कुछ नहीं देखेंगे। कहा उठाओ इसको, ले चलो शमशान भूमि पर, और नंगा करके इसको लकड़ियों पर लिटा दीजिए, आग लगा के राख कर दीजिए। ये है शरीर की इज्जत, ये सम्मान है। या आप सोचते हो कि जिनके लिए बड़ी बड़ी व्यक्ति कर दी, भाई बड़ा मान अपमान कर दिया, अरे इज्जत है ही कहाँ, अपमान है कहाँ, जहाँ मान अपमान कुछ नहीं है, वो इंसान है। अगर इंसान है तो इंसानियत होनी, मानव है मानवता होनी, ये मान सम्मान क्या है, बस उसी बखेड़े में आप पड़े हो। महापुरुषों ने कहा ये मान लाभ सम्मान जो सोच रहे हो ये भी कर्म कर जाए, लाभ और मान क्यों चाहे
पड़ेगा, सब तुझे देना, ये सब देना पड़ेगा। और तुम कुछ नहीं जानते हो, इनसे लाभ मिल जाए, इनसे सम्मान मिल जाए, इनसे मान मिल जाए, इनसे सामान, इसी की तलाश में ये सारा जीवन चला जाता है। लेकिन ये नहीं जानते हो, हम जिससे कुछ ले रहे, लेना कर्जा है, ये ना करना पड़ेगा। जो भी आप मान सम्मान ले रहे, जो भी कर रहे हो, ये सब कर्म कर्जा है, भोग कर रहे हो, ये भी कर्म कर्जा, देना पड़ेगा। तभी तो यहाँ बार बार आते रहे और जाते रहे कि आपने भोग किया, वो भोग का कर्जा बन गया, फिर तुम उसमें आए, वो भोग करने आया, तो यही कर्म कर्जा चुकाते चुकाते ये जीवन सब जा रहा और समझ में किसी के नहीं आ रहा। बिना संत महापुरुषों के ये आंतरिक कर्मों का राज कोई नहीं जानता। ये राज रहस्य उन्हीं को मालूम है जो कर्म जात से अलग खड़े शरीर लेके आए हैं, लेकिन शरीर का कोई काम नहीं करता। वो तो तुम्हारे शरीर की चिंता लेके आए, ये बिगड़ नहीं पाए, ये खराब ना होने पाए, ये भोगों में फंसने पाए, पाप कर्मों में उलझने नहीं पाए, वो तो तुम्हारे लिए आए और तुम्हारे लिए युक्ति बताते, तुम्हारे लिए रास्ता बताते, और फिर भी तुम समझ नहीं पाते। एक तो तुम्हारे लिए कोई आया नहीं, तुम्हारी हमदर्दी किसी ने की नहीं, और किसी को चिंता नहीं तुम्हारी। अगर चिंता होती तो कितने युग निकल गए इसी में फंसे फंसे, मार खाते खाते भोगों की, और किसी को तुम्हारी चिंता नहीं। और तुम समझते थे इनको चिंता होगी, ये हमारे वो हमारे, अरे तुम्हारा है ही कौन जो तुम्हारा शुभ करे, अच्छा करे, भला करे, हर तरफ की गंदगी से बचाए, वो तुम्हारा है। यहाँ तो गंदगी में फंसाने वाले, गंदगी में घसीटने वाले, उन्हीं को तुम अपना कहते हो, और बाद में रोने लगते हो, बाद में रोते रहते हो। देखो क्या कह रहे हैं, जिस शरीर पर तू गरुड़ गुमान घमंड कर रहा है, एक दिन ये शरीर खाली पड़ा रहेगा। कैसे खाली हो जाएगा, इसमें भरा क्या का, वो जीवात्मा बैठी, उसके कारण ये चलता फिरता और उठता बैठता और बोलता चलता और काम करता नजर आ रहा, और एक दिन जीवात्मा निकल गई तो ये खाली पड़ा। ये खाली पड़ा है, इस चमड़े को खोल के कोई नहीं रखेगा, क्योंकि ये चमड़े का खोल जीवात्मा के लिए बनाया गया, और जीवात्मा निकल गई और घर खाली हो गया। अब इसके अंदर तुम किसी को बैठा नहीं सकते कि चलो भाई जीवात्मा निकल गई, दूसरे को बैठा दे, फिर इससे काम लेंगे। ये तीसरे तो अपना परिचय दे दिया, घर बनाया, मतलब यानी गृहस्थी भाई ये बनाया, बाल बच्चे बनाए, ये सब कुछ तो बनाने वाला है, चलो फिर कोई चीज इसके अंदर डाल दो, फिर बनाने लगेगा। कहा वो तुम्हारे अधिकार में नहीं, वो तो निकल गई। जब निकल गई तो ये खाली पड़ा है, और तुम्हारा बसेरा, जब जीवात्मा निकल जाएगी तुम उस घर में नहीं रह सकते हो जो तुमने घर बनाया, चार पांच पांच चार छह छह मंजिल का। तुम्हारे बच्चे तुमको उस घर में रहने नहीं देंगे, का उठाइए, ये जिंदे का घर मुर्दे का नहीं है, तो ये मुर्दा हो गया, चलो उसको ले जाओ। कहा तुम्हारा घर कहाँ होगा, शमशान भूमि, कब्रिस्तान, ये तुम्हारा घर होगा। इन घरों, जिन घरों में तुमने सारा जीवन गवा दिया बनाने बनाने में, उसी में तुमको रहने नहीं दिया जाएगा। देखो कैसा खेल है ये, काल माया की कैसी विचित्र रचना है। इसी रचना को संत महापुरुषों के सिवा कि कोई समझी नहीं पाया कि काल का विधान क्या है, और काल ने बनाया तो क्यों बनाया। कहा हमको सबको फंसाने के लिए बनाया, और फंसाने वाले को हम भगवान कहते हैं। कहा भगवान तो है, लेकिन दो भगवान, एक काल भगवान, एक दयाल भगवान। काल भगवान फंसाने वाला, मर लगाने वाला, और दयाल भगवान बचाने वाला और निकालने वाला। अब तुम्हें कौन सा भगवान चाहिए, अभी तक चुनाव नहीं कर पाए हो। आगे क्या कह रहे हैं कि जो धन तुमको दिया गुरु ने, 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 इससे कर कुछ काम, इससे कर कुछ काम, मन तो
खाली हो जाएगा, बेकार हो जाएगा, तो बेकार खाली होने के पहले हम अपना कुछ काम बना लें। ये तो निश्चित हो गया खाली होगा, खाली करना पड़ेगा, वो खाली करा लेगा, क्योंकि तुम्हारा है नहीं। अगर तुम्हारा शरीर होता तो तुम अपने अनुसार इसको खाली करते, अपने अनुसार जाते, अपनी इच्छा से यहाँ रहते, लेकिन तुम्हारा शरीर नहीं है, ये दूसरे का किराए भाड़े पर मिला है, तो किराए भाड़े पर जिस मकान में रहते हो उसकी ज्यादा तरफ ध्यान नहीं देते, केवल रहने क्या, हमको रहना कौन हमारा है, हम भी उसकी व्यवस्था करें। लेकिन इसको कभी किराए भाड़े का नहीं मान, रात दिन इसी को सजाने में, इसी को मतलब यानी सारा समय खराब कर रहे, किसी ने कुछ कह दिया तो झगड़ा कर दिया। अरे जब तुम्हारा है नहीं तो कह रहा कहने दो, वो हमारे हमारे लिए कहते नहीं है, क्योंकि शरीर हमारा है नहीं। लेकिन अभी तक हम ये नहीं मान पाए हैं, या हम इसको मान्यता नहीं दे पाए कि शरीर हमारा नहीं है। जो चीज तुम्हारी नहीं उसकी तरफ आप ध्यान ही नहीं देते, कोई कुछ करे में क्या मतलब। लेकिन ये शरीर पर बहुत ध्यान है, रवि ने ऐसा कैसे कह दिया, यो कह दिया, ऐसा क्यों कर दिया, इसी पे सारा समय खर्च किए जा रहे हो, अब लवने कुछ नहीं। अरे भाई उसने कह दिया तो उसका मुंह है, मुंह पर कोई किराया तो लगा नहीं, कोई टैक्स तो लिया नहीं जाता, पाबंदी तो है नहीं, जो चाहे वो कह देगा। लेकिन जब तुम ये समझ गए हो कि हमारा है ही नहीं, तो हमारे लिए कुछ कह ही नहीं रहा। महापुरुषों ने क्यों बर्दाश्त किया, उनको मालूम है कि मैं इस खोल को लेके आया हूँ केवल जीवों को जगाने के वास्ते, ये मेरा नहीं है। तो लोगों ने उनको निंदा की और बुराई किया और चुगली किया, आलोचना किया, वो कभी ध्यान ही नहीं देते, बल्कि हंसते रहते, हंसते हैं सुनकर कि देखो किस काम में फंसा, ये किराए भाड़े का, ये मिट्टी का मकान, अरे इसके लिए कह रहे तो कह रहे तो भाई हमारे लिए कौन कह रहा। हम अगर ये जानते हमारा है क्या, अगर उसके लिए कोई कहता तो आपको उसके प्रति भाव बनना चाहिए। जब पता चल गया शरीर है ही नहीं, तो शरीर के लोग कह रहे तो कह दो हमारे लिए तो नहीं कह रहा। तुम्हारी क्या है जीवात्मा, तुम्हारी जीवात्मा के लिए कौन कह रहा, तुम्हें उसकी बात सुननी चाहिए, समझनी चाहिए। लेकिन अभी तक तुमने नहीं निर्णय ले पाए हो कि शरीर हमारा है कि जीवात्मा हमारी, रात दिन इसी के चक्कर में जरा किसी को कहते हो झगड़ा कर दिया, झगड़ा कर दिया, किराए के मकान पर झगड़ा करते हो, ये भी नहीं जानते हो कि हमारा है नहीं, जो हमारा है नहीं तो उसके लिए हम क्यों सोचे इतना। लेकिन तुम सोचते उसी के लिए, क्योंकि आपको मालूम नहीं है किराए भाड़े का, और आपने भी निश्चय भी नहीं किया है, मानता भी नहीं दे पाए हो कि नहीं नहीं वास्तव में हमारा नहीं। आगे क्या कह रहे हैं कि जो धन तुमको दिया गुरु ने उससे कर कुछ काम, अरे उससे काम बना ले, ये किराए भाड़े के मकान में अपना काम बनाने के लिए रह रहे हो कि हमको दुकान चलानी है, हमें नौकरी करनी है, तो भाई रहना है, लेकिन है ये किराए का, है ये किराए का, तो ये अगर का कुछ काम बना लो जल्दी से, जो उन्होंने नाम का रास्ता दिया, ये नाम जप लो भज लो, तुम्हारा काम हो जाएगा। आगे क्या कह रहे हैं कि अंत समय यो ही लूट जाएगा, 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 संग न जाए छदाम, संग न जाए छदाम, मन तुम भरो गुरु का नाम, किराए भाड़े के शरीर से अपना काम नहीं बना पाए, नहीं कुछ ले पाए, तो काम तुम्हें लूट जाओगा, ये लूट लिया जाए सब लूट लेंगे, शरीर की ताकत सब लूट लेंगे, कोई पति बनकर, कोई पत्नी बनकर, कोई कुछ बेटा बनकर, कोई बेटी बनकर के ये सब लूट लेंगे, तुम्हारे पास कुछ नहीं रखेंगे। तो तुम कहते और संग तुम्हारे कुछ जा नहीं सकता, चाहे करोड़ इकट्ठा कर लो, छदाम माने एक भी पैसा
लेके हम नहीं जा सकते, क्योंकि यहां से ले जाने वाला एक सामान तुम्हारा नहीं है, ये तुम्हारे प्रयोग का सामान, प्रयोग कर लो, वो भी सदुपयोग। प्रयोग भी दो तरह का, एक सदुपयोग एक दुरुपयोग है। तुम दुरुपयोग कर रहे हो कि सदुपयोग कर रहे हो? अगर दुरुपयोग करोगे उसकी भी सजा मिलेगी कि हमने शरीर इसलिए नहीं दिया था, हमने जीवात्मा को इसलिए नहीं बैठा था कि तुम गंदे और खराब खान पान करो, गंदे कर्म करो, मतलब इसलिए मैंने नहीं दिया था, उसकी भी सजा आपको भोगनी पड़ेगी। अभी यही नहीं जानते हो किन किन कर्मों की सजा हमको मिलेगी, क्योंकि आप शरीर पाकर जीवन भर गंदे ही कर्म करते रहे। आगे क्या समझा के गए? ये संसार रहने का सपना, 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 और किया विश्राम, और किया विश्राम, मन तुम भजो गुरु का नाम, भजो गुरु का नाम। देखो पूरा त्याग बताने, शरीर समाज परिवार ही नहीं, सारा संसार स्वप्न है। तुम्हारा सपना जैसे तुम्हारे हाथ नहीं लगता, रात में सो गए तरह के सपने आए, आँख खुली तो कुछ नहीं, कहा जैसे सपना है, देखते हो सुनते भी हो लेकिन आँख खुल गई तो कुछ नहीं, सब झूठा, सब झूठा था। और कहते इसी तरह ये संसार एक दिन तुम्हारे लिए स्वप्नवत हो जाएगा, जब तुम्हारी आँख बंद हो जाएगी, जीवात्मा शरीर से निकल जाएगी, तो ये सब सपना ही है। अरे जान गए हो कि जब सपना है और आगे होगा तो सपना है, तो हम इसमें फंसे क्यों? अपना काम बना ले, काम बना लीजिए। जब किराए की चीज भाड़े की कोई लाते हो और सोचते हो कि उसने तारीख दे दी है, इस तारीख में सामान भी ले लेगा, पैसे भी ले जाएगा, तो हमको क्या करना चाहिए? उस तारीख तो हमको काम बना लेना चाहिए, उससे काम लेना चाहिए। ये पता है कि भाड़े पर लाए किराए पर वो आ जाएगा, सामान भी ले जाएगा, पैसा भी ले जाएगा, तो कम से कम अपना काम तो बना दे। इसी तरह संत महापुरुषों ने इशारा करके कह दिया, भाई ये शरीर है ये स्वप्न हो जाए, एक दिन सब जो भी देख रहे हो सुन रहे हो कर रहे हो जिनको अपना बना रहे हो, एक दिन ये सब स्वप्न हो जाएगा, तुम्हारे काम आने वाला कुछ नहीं। इसलिए शरीर रहते अपनी जीवात्मा का काम कर लो। आगे क्या कह रहे? कि चार दिना के सब संगी है, 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 अंत में आए न काम, अंत में आए काम, मन तुम भजो गुरु का नाम, मन तुम भजो गुरु का नाम। जब ये कह दिया एक दिन ये संसार सुपन हो जाएगा, शरीर परिवार समाज तो छोड़ो, पूरा संसार ही तुम्हारे लिए स्वप्न, स्वप्न माने जो तुम्हारे आंख से ओझल हो जाए, दूर हो जाए, दिखाई न दे, उसे स्वप्न कहते हैं। रात में आंख बंद होती है तब स्वप्न देखते हो, वो सुबह खुली तो कुछ नहीं, और ये आंख खुली है, खुले का स्वप्न है, ये भी तुम्हारे हाथ कुछ लगने वाला नहीं है। इसलिए महापुरुषों की बात मानकर समझकर शरीर रहते अपनी जीवात्मा का काम बना लीजिए, ये होशियारी बुद्धिमानी आपकी मानी जाएगी। कहते कि जो तुमने रिश्ते बनाए, जिनके लिए रात दिन परिश्रम करते हो, महापुरुषों ने कहा ये भी तुम्हारे नहीं, उनका तुम्हारे तक संबंध कहाँ तक का,
कि देहरी तक पत्नी का नाता, देहरी तक ही पत्नी का नाता, पोली तक माँ का नाता है, मरघट तक जाते भाई बंधु पर हंस अकेला जाता है। आज तुमने जितने रिश्ते नाते बनाए, पत्नी देरी तक रोएगी और सुबह की लौट आएगी, साथ नहीं जाएगी। अगर साथी होती तो साथ जाते, पति जला तो पत्नी साथ नहीं गई, पत्नी मरी तो पति साथ नहीं गया, बेटा मरा बाप साथ नहीं गया, बाप मरा बेटा साथ नहीं गया, भाई मरा भाई साथ नहीं गया, फिर तुम्हारा साथी कौन है? जो साथ नहीं जाने को तैयार है, सब मरघट तक गए और आंसू बहाकर और फूंक फाक कर सब लौट आए, तुम्हारा अस्तित्व समाप्त हो गया, सजावट बनावट सब खत्म, रूप रूप सब खत्म, जात पात बिरादरी सब चल के रात हो गई। क्या मिला? क्योंकि मिलाने वाले, बताने वाले, समझाने वाले, कराने वाले मिले तो तुम उनकी बात नहीं मानी, उन महापुरुषों को आपने पहचाना नहीं। आगे समझा के क्या कह रहे हैं कि ये चार दिन के साथी हैं, जिनको अपना समझते हो। चार दिन का मतलब क्या है? चार अवस्थाएं तुम्हारे शरीर की, बचपन, किशोरा, जवानी और बुढ़ापा, ये चार दिन के साथी हैं। ये जैसे खत्म हुआ तो सब खत्म हो जाए। फिर तुमने कभी ये सोचा कि हमारा कौन है? जिनको समझाओ तो धोखा, अपना अपना काम निकाला और धक्का मार दिया। फिर तुम्हारा साथी कौन है? कहा संगी साथी गुरु को लेना, संगी साथी एक गुरु जी को लेना, और भेद इन्हीं का जाना है, और सुरति शब्द का साधन करके और अपने घर चढ़ जाना है, फंसना नहीं तेसु बिराना है। कितनी चेतावनी आपको दी। कहा ये देश तुम्हारा नहीं है, जब तुम अपने परिवार में नहीं रह पाए, परिवार वाले तुमको नहीं रख पाए, जो मकान बनाया उस मकान में तुमको रहने नहीं दिया गया, जो जमीन बनाई रुपया पैसा इकट्ठा किया वो तुम्हारे साथ कोई किसी ने दिया नहीं कि ले जाओ एक और इसको भी लेते जाओ। कहा फिर तुम ये कर क्या रहे हो? तुमने अपने साथी का चुनाव नहीं किया, जो तुम्हारे इधर के साथी जय गुरुदेव, उधर के साथी जय गुरुदेव, ये रात दिन चिल्लाते हो लेकिन साथी अभी तक नहीं बनाया। ये चिल्लाने का काम नहीं है, ये समझने का है और अपनाने का है। क्या कह रहे हैं? ये चार दिनों के सब साथी अंत में तुम्हारे काम कोई आने वाला नहीं है, इसलिए संगी साथी गुरु को लेना, भेद इन्हीं का जाना है, और सुरत शब्द का साधन, ये साधन है। तुमने मकान शरीर के साधन कितने बनाए, मकान बना दिया, दुकान बना दी, जमीन बना दी, पत्नी बना दी, बच्चे बना लिए, लेकिन ये तुम्हारा साधन तुम्हारे काम नहीं आया, ये सब साधन ही छूट गया। कहा तुम्हारा सच्चा साधी साधन है सुरत शब्द, जीवात्मा को शब्द के साथ जोड़ दो, ये साधन है, और शब्द से जुड़ जाएगी अपने घर चली जाएगी। आगे क्या बता रहे हैं? कि ताते चेत करो सत्संगत, ताते चेत करो सत्संगत, ताते चेत करो सत्संगत, भजन करो आठो याम, भजन करो आठो याम, मन तुम भरो गुरु का नाम, मन तुम भजो गुरु का नाम। का जब कोई साथी नहीं बना, साथ किसी ने निभाया नहीं, साथ कोई तुम्हारे गया नहीं, तो कहा कम से कम चेत जाओ, अभी जाग जाओ, इनको देख लो, समझ लो, कोई साथी नहीं है, अपना मतलब निकाल रहे, अपना स्वार्थ निकाल रहे तुम्हारे शरीर से। जब तक
यानी साथ निभाएंगे जब तक स्वार्थ भोगों का निकलता रहेगा, मिलना बंद हो जाएगा, रिश्ता खत्म हो जाए। अरे इसीलिए उसका नाम रखकर रिश्ता, रिश्ता माने कहते बर्तन ये रिस रहा है यानी फूटा है, रिश्ता माने फूटा टूटा, फिर भी नहीं समझ पाए, कहते हम रिश्ता जोड़ रहे हैं, हम रिश्ता बना रहे हैं। अरे रिश्ता माने तो फूटा है कि बर्तन रिस रहा धीरे धीरे, और एक दिन जो इसमें अंदर है और रिश्ते रिश्ते सब खत्म हो जाएगा, फिर घड़ा खाली रह जाएगा। खाली घड़े को कौन चाहता है, और घड़े को कोई नहीं चाहता, जो मतलब कि इसमें पानी या दूध कुछ भी आपने रख दिया उसका तो उससे मतलब है। क्या कह रहे हैं, ताते चेत करो सत्संगत, इसलिए चेत जाओ, जाग जाओ, होश में आ जाओ, संत महापुरुषों के वचनों को धारण करो, अपनाओ, तुम्हारा काम हो जाएगा, और तो किसी से काम होने वाला है नहीं। इसलिए कहा तुम्हें करना क्या है, नया काम तो तुम्हारे बस का नहीं है, जो कर रहे हो उसी को छोड़ दो, जो आप भोग कर रहे हो। कहा क्या करना है कि इंद्रिय द्वारे बंद कर रखना, ये दरवाजा खुल गए और हमने लूट लिया आपको, कि इंद्रिय द्वारे बंद कर रखना और मन पर अंकुश लाना है, और फंसना नहीं थे तो बिराना है, और संगी साथी एक गुरु जी को लेना, और भेद इन्हीं का जाना है, और सुरति शब्द का साधन करके अपने घर चढ़ जाना है, फंसना नहीं थे सो बिराना है। देखो छोटी सी युक्ति में सब बता दिया, अपने घर चलना है, ये पराया घर है, अभी तक आपने इसको माना है, कहते नहीं नहीं ये हमारा मकान है, मैंने इतने करोड़ इतने लाख में बनाया है, बड़ा अहंकार करके कहते हो ये मेरा मकान है। जब तुम्हारा मकान है तो तुम्हारे बच्चे तुमको रहने क्यों नहीं दे रहे, कहते कहते नहीं नहीं ये जिंदे के रहने का मकान, तुम हो गए मुर्दा। अरे मुर्दा क्या हो गया, अरे हाथ पैर हमारे वही है, आँख कान नाक सब वही, शरीर का कोई अंग कटा नहीं, फिर क्यों कहो कहते हो तुम रहने के काबिल नहीं हो। कहा नहीं नहीं ये तो ठीक है, लेकिन जिसके द्वारा ये करता और चलता फिरता था वो तो इसमें है ही नहीं। कल वो क्या थी, कल वो जीवात्मा थी, निकल गई। इसका मतलब हमारा आपका संबंध जीवात्मा से था, अगर शरीर से होता, शरीर तो अभी पड़ा है, कोई कटा फिटा कुछ नहीं इसमें, लेकिन आज तक ये नहीं समझ पाए हो कि शरीर हमारा है, कि शरीर को चलाने वाली ऊर्जा ताकत ये जीवात्मा हमारी है। संत महापुरुष यही बताने के लिए आते कि तुमको शरीर भोगों के लिए नहीं मिला, बाल बच्चे ही पैदा करने के लिए नहीं मिला, ये सांसारिक भौतिक कार्यों के लिए नहीं मिला है, किसके लिए मिला, कि तन नगरी में सुरति फंसी है, इतन नगरी में ये सुरति फंसी है, इसको यार जगाना है, चल फंसना नहीं दे तू बिराना है, काम तो ये करना था। ये तन नगरी में सूरत जीवात्मा फंस गई, इसको छुड़ाना है, छुटकारा दिलाना है, काल माया के देश से, कर्मों के जाल से निकालना है। कहते हैं ये काम के लिए शरीर मिला, और तुमने कहा नहीं नहीं मकान बनाने के लिए, और जमीन खरीदने के लिए, और शादी ब्याह करने के लिए, और बाल बच्चे पैदा करने के लिए, इसी भूल भ्रम अज्ञानता में फंसकर ये सारा जीवन नष्ट हो गया। मेरा आपको कुछ नहीं, न कोई तुम्हारा बना न तो तुम्हारा है, ये समझ आएगी सत्संग से, और ये कथा वार्ता से समझ आ जाती, पूजा पाठ रथ हवन जप पे गंगा स्नान करने कराने से समझ आ जाती तो सब समझदारी होती। लेकिन ये ना समझ कैसे, ये ना समझदार कैसे हो गए, क्योंकि आपने उन सत्य वचनों को जो संत महापुरुष बताते हैं उनको तो आपने सुने नहीं, न सुना न गुना न धुना, न अपने जीवन में उतारा, न कार रूम में परिणित किया, तो फिर मिलेगा क्या, वो तो करने से मिलता है। आगे क्या कह रहे हैं, ताते चेत करो सत्संगत, चेत करके जा करके
संत महापुरुषों के वचनों को यानी सत्संग करो, सुनो सुनाओ पढ़ो पढ़ाओ नहीं, करो। जब करोगे तो उसका फल मिलेगा, सुनने का सुनाने का तो कोई फल है नहीं, फल तो करने का है। कहते कि काते चेत करो सत्संगत और भजन करो आठव्या, ये बताया। जो तुमने किया वो तो सब झूठा निकला। अब जरा ये भजन करके देखो, ये तुम्हारा सच्चा रास्ता है और सच्चे घर पहुंचाने वाला है और सच्चित आनंद दिलाने वाला है और सच्चे मालिक पिया प्रीतम से मिलाने वाला है। कहा ये भजन करो, भजन माने भजना, भगो यहाँ से भगो, ये पराया देश सब लूटे ले रहा, कितनी बार तुमको लूटा और लूट करके कमजोर कर दिया और ऐसे कर्मों के जाल में फंसा दिया, तो उन्हीं कर्मों के करते कर रहे कभी पशुओं में चले गए, कभी पक्षियों में चले गए, कभी जंगली जानवरों में पैदा हो गए, कभी कीड़े मकोड़ों में, और फिर अवसर चांस मौका इन 484 लाख योनियों से निकलने के लिए ये मानव तन का स्वभाव दे दिया। ये स्त्री तन पुरुष मानव तन है, शरीर वही है, केवल उसमें ये काल की चालाकी है, उसने तुम्हें फंसाने के लिए एक तन स्त्री और पुरुष तन बना दिया और थोड़ा सा अंतर कर दिया और उसी में सब फंस गए, उसी गंदगी में सब फंस गए और निकल नहीं पा रहे, क्योंकि उसे गंदगी आप समझते नहीं हो। जो गंदगी से जब पैदा हुए हो तो गंदगी तो तुम्हारा यानी मतलब आदत बन गई है, तो तुम गंदगी की तरफ भागते हो, कोई नहीं भागता। शरीर में कितने अंग हैं, आंख है, कान है, नाक है, मुंह है, हाथ और पैर, उनकी तरफ क्यों नहीं भागते, ये गंदगी तरफ क्यों भागते हो। कहा यहीं से पैदा हुए हो, इसी स्थान से, अरे तो तुम्हारी जन्मभूमि है वो, फिर उसका तो स्वागत करना चाहिए। यानी ये समझ नहीं पैदा हुआ कुछ, क्योंकि आपने संत महापुरुषों के वचनों को सुना ही नहीं। अगर सुनते तो गंदगी और सफाई स्वच्छता को समझ लेते कि हमारा वास्तव में काम क्या है, किस काम के लिए मानो ये शरीर दे दिया, लेकिन काल माया ने चालाकी कर दी, शरीर को दो भागों में बांट दिया। कहा ये स्त्री तन ये पुरुष तन, अरे कहा स्त्री पुरुष से क्या मतलब, शरीर में जीवात्मा तो वही है, चाहे स्त्री तन चाहे शरीर पुरुष तन हो, बात तो जीवात्मा से मतलब, खेल तो जीवात्मा का है, फंसाने के लिए उसने तो भागों में बांट दिया कि स्त्री है पुरुष है, और थोड़े से अंतर कर दिया तो स्त्री पुरुष में फंस गई और पुरुष स्त्री में फंस गई और फंस करके अपना सब नुकसान कर दिया। सारे शरीर की ताकत जैसे कपड़ा निचोड़ते हो, ऐसे भोगों में फंसकर आपने शरीर की सारी ताकत को निचोड़ दिया, अब तुम्हारे पास कुछ नहीं, खाली बैठे हो। कहते मन नहीं लगता, अरे मन को कहीं तो लगाया है और ऐसी जगह लगाया जीवन भर कि वहां वो यानी खराब और गंदा ही होता रहा, अब जरा अच्छी जगह लगा लो। तो कातन नगरी में सूरत फंसी है, इसको यार छुड़ाना है, इसे छुटकारा दिलाना है, इसे निकालना, ये काम है। असली काम तो आपने किया नहीं, जिसमें तुम्हारा लाभ था और जिसमें हानि नुकसान, उसी काम को तुम करते रहे। आगे समझा के क्या कह रहे, कि यही भज तेरे संग चलेगा, यही भजन तेरे संग चलेगा, यही भजन तेरे संग चलेगा, यही भजन तेरे संग चलेगा, पाएगा आराम, पाएगा आराम, मन तुम भजो गुरु का नाम, मन तुम भजो गुरु का नाम, मनो शरीर तुमको जीवात्मा जगाने परमात्मा से मिलाने के लिए, लेकिन वो काम से छूट गया, जो नहीं करना था उसी में फंस गया, करते करते इतना यानी शराब और हो गए कि सारी शक्ति खत्म कर दी, अब न बैठा जाता न मतलब यानी खड़ा हुआ जाता न कोई काम किया जा रहा, सब शरीर की शक्ति खत्म हुई तो करोगे कैसे, काम तो शक्ति करती है।
या कह रहे हैं जो भजन का इशारा किया है ये तुम्हारे साथ चलेगा, और तो कोई चीज नहीं जाएगी, लेकिन आत्मा से जो परमात्मा ये नाम की कमाई करोगे तुम्हारे साथ जाएगा। क्या कह रहे हैं, पाएगा आराम यहां तो आराम विश्राम एक मिनट किसी ने करने नहीं दिया, तुमको रहने ही मकान में दिया तो आराम कहां करोगे। तुम्हारा कहते अब ये तुम्हारा मकान नहीं है, चलो उसको उठाया कहा तुम्हारा मकान शमशान भूमि पर वहां चलो, वो अभी थोड़ी देर के लिए नंगा के कपड़े उठा दिए, देखा कोई रुपए में सुत नहीं हुई, कोई सोना चांदी तो आप कान नाक फौरन से किया और फाड़ दिया और फट से निकाल लिया, कहा ये तो खाली इसको भेजो आप, ये हमारा नहीं है, ये हमारा सामान के लिए जा रहा। कितनी तुम्हारे साथ बेदर्दी बेरहमी, अगर तुम्हारा कोई होता तो तुमको नंगा करके जलाता नहीं, तुम्हारी रक्षा हिफाजत करता, ये भी समझ में नहीं आया। फिर एक सिस्टम बनाया है कि इसके बाद एक बांस उठाओ मारो उसकी खोपड़ी में, अभी मुर्दे को क्यों मारा जा रहा, क्या तुम्हारा बाप नहीं रहा, तुम्हारी माँ नहीं रही, तुम्हारा पति पत्नी बेटा नहीं रहा जो मारते हो, कहते नहीं इसने वो काम नहीं किया जिस काम के लिए इसको परमात्मा ने शरीर दिया था, ये जीवात्मा का काम नहीं किया इसलिए यही पर मारा जाता, क्यों जीवात्मा यहां बैठी हाथ पैरों में नहीं बात मारते, सीधे खोपड़ी में मारो उसका, इसने ये काम क्यों नहीं किया। देखो जानकारी तो सब है, इशारे सब उसी तरफ, लेकिन केवल तुमने एक आदत बना ली कि ऐसा किया जाता, लेकिन क्यों किया जाता, इसके करने का मतलब, इसमें कौन सी सीख और शिक्षा तालीम भरी है, ये तो कम से कम जानकारी करनी चाहिए। आगे क्या कह रहे हैं समझा के, कि दया मेहर सतगुरु से लेकर, 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 चढ़ो त्रिकुटी धाम, चढ़ो त्रिकुटी धाम, मन तुम भजो गुरु का नाम, तुम भजो गुरु का नाम। भाई ये रास्ता पर कभी चले नहीं, कौन चलाएगा, अब दया कौन करेगा, जिनको साथी बनाया वो तो कहते मतलब यानी चलो उठाओ इसको कपड़े से उतारो और नंगा करो और लकड़ियों में रखो इसको जला के राख कर दो, अकल सकल सब खत्म। कहा कि ये हमदर्द तो कोई मिला नहीं, कहा ये दया जो दयाल देश से सतगुरु दयाल आए हैं वो दया करते हैं, अगर उनकी दया को तुमने ले लिया होता, उनके वचनों को सुन लिया होता, उनके द्वारा दी गई नाम की युक्ति पर चल करके जीवात्मा को जगा लिया होता, ये मेहर दया कृपा सदगुरु से मिलती, ये भी बता दिया कहाँ मिलेगी, ज्ञानी के बाद ध्यानी के पास, धर्मान बलवान बुद्धि बुद्धिमान के पास मिलेगी, कहते नहीं ये मेहर दया सदगुरु से लेकर, चढ़ो त्रिकुटी धाम, इस शरीर से निकलकर ये जीवात्मा त्रिकुट धाम पर बैठी हुई है, तो ये मन का घाट, लेकिन बैठी वो बेचारी यही पर बैठ के इंतजार कर रही है अपने मित्र यार दोस्त मन का, क्योंकि जब ऊपर से आई थी यहीं से ये मन का धार मतलब धाम घर है मुकाम मंडल है, यहीं से मन को साथी बनाया कि चलो हम तुम दोनों नीचे चलेंगे और देख करके वापिस आ जाएंगे, लेकिन बगैर तुमको साथ लिए मैं वापिस नहीं आऊंगी, बस ये वादा इसका बड़ा इसके लिए जहर हो गया, इसी वादे में फंसी है बेचारी, बैठी है इंतजार कर रही है और मन नीचे उतर गया, शरीर में भोगों के द्वारों पर निकल गया और भोगों में फंस गया, अब इतना फंस गया कि भूल गया कि हम कहीं से आए थे, कोई मेरे साथ हमें लेके आया था, किसी ने हमारे लिए वादा किया था, सब भूल गया, इतना सराबोर भोगों में हो गया, सारी शक्ति हरास यानी नष्ट बर्बाद कर दी, और वही भी भूल गया किधर से आया,
कहते कि दया मेहर सतगुरु से लेकर, अगर सतगुरु की दया मेहर ली होती, समझी होती और समझ करके अपने जीवन में कुछ किया होता उनके बच्चों को मानकर, तो ये काम तुम्हारा सब हो गया होता। और चल तुझे वो पूर्ण विश्राम आराम जहां मिलेगा उस मुकाम मंडल लोग पर पहुंचा देगी। आगे क्या कह रहे हैं कि काल कर्म के बंधन टूटे, काल कर्म के बंधन टूटे, काल कर्म के बंधन छूटे, काल कर्म के बंधन छूटे, मिले पुरुष सतनाम, मिले पुरुष सतनाम, मन तुम भजो गुरु का नाम, मन तुम भजो गुरु का नाम। सद्गुरु दयाल कौन सी दया कृपा मेहरबानी करेंगे, तुम्हें काल माया के बंधनों से अलग करते छुटकारा दिलाते और तुमको तुम्हारे घर पहुंचा देंगे, फिर तुम्हारा कभी आना नहीं होगा, ये दया करेंगे। देखो कितनी बड़ी चाह, और तुमको वहां पहुंचाएंगे जहां तुम्हारा सच्चा प्रिया प्रीतम पुरुष सतना की बैठे, वहां पहुंचाएंगे, वो है सच्चा नाम। ये नाम उसी नामी नामी के पास जाना, उनके पास मिलाना, उनके मुकाम मंडल में पहुंचाने का है। आगे क्या कह रहे हैं कहते कि काल कर्म के बंधन टूटे, जो काल ने कर्मों का बंधन जाल बनाया हम सबको फंसाने के लिए, कहा समृद्ध दाता सद्गुरु दयाल क्या करेंगे, वो काल के बंधनों से छुटकारा दिलाते, सारे बंधनों को तोड़ देंगे और तुम्हारे तुम्हारी जीवात्मा को निकाल कर वो पहुंचा देंगे कहां, जहां सतपुरुष जी बैठे वहां पर। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, नाम किसका, जय गुरुदेव, नाम किसका, जय गुरुदेव, नाम किसका, प्रभु का प्यारा नाम। खड़े हो जाइए, तो इतनी देर अभी लगाते हो, बस इतनी देर आए उधर जा, उधर सब बना मसाला रखा, तुम्हारे खड़े होने में चलने में पहुंचने में देरी है, कहा कि परिवर्तन का मैंने सारा मसाला तैयार कर दिया, जिस दिन तुमको इसके काबिल देखूंगा सौंप दूंगा। वो तो देने आया, लेकिन किसको दे दिया जाए, अब ये परिवर्तन का सेहरा किसके सिर पर बांध दिया जाए, अभी तो कोई ऐसा दिखाई नहीं देता जो ये सब काम कर सके, जल्दी से चलने की तैयारी कर रहा हो, अपने घर को मान समझ लिया हो, अभी तो कोई सब इसी में फंसे इट्टी मिट्टी के मकानों में, इस मकान को अपना समझते नहीं वो लोग। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, नाम किसका, प्रभु का, जय गुरुदेव, नाम किसका, प्रभु का, प्रभु का प्यारा नाम। बोलो सब मिल बोले, बोलना होगा अभी से, बोलो सुख दर्द हटेंगे, सब कष्ट मिटेंगे, सुख शांति भी देंगे, सबके दाता, सबके मालिक, प्रेम से बोले, ये नाम नहीं इंसान का, ये नाम है प्रभु का, ये काम नहीं इंसान का, ये काम है प्रभु का। देखो नाम अपना पूरा परिचय दे रहा,
कोई शंका से नहीं भूल भ्रम नहीं रख रहा। जय गुरुदेव नाम कलयुग का जगाया, सतगुरु दाता दयालु ने हम सब कलयुग के जीवों के लिए नाम जगाया है, किसी नाम से तुम्हारा काम होगा। जो पिछले नाम आए वो पिछले लोगों के लिए, और जो तुम्हारे लिए आया वो तुम्हारा काम करेगा। तो हमको तो अभी तक यही नहीं मालूम था कि हमारा काम कौन करेगा, हमारा काम करने वाला कौन सा नाम होगा, ये नाम लेके कौन आएगा। तो ये सब जानकारी तो थी नहीं, उसी जानकारी का नाम है सत्संग। जब सत्संग में आओगे सुनोगे तो सत्य वचनों से सारी सही सच्ची जानकारी आपको मिल जाएगी, अपने सच्चे समय की नाम की, अपने सच्चे काम की, और सच्चे धाम पहुंचाने की, ये सब जानकारी आपको मिल जाएगी। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। अब आप लोग सेवा में चलो, क्योंकि हम सब लोग सेवा ही कर सकते हैं, भजन तो नहीं कर सकते, सेवा कर सकते। अगर सेवा से भजन वाला लाभ मिल जाए तो इससे सरल कौन सा। भजन की सेवा की बात समझा करो, सेवा कलयुग में प्रधान अंग है। का कोई एक आजीव भजन से जा पाएंगे, लेकिन सेवा से सब चलेगा। ऐसी सेवा करा कर कर्म कर जा उतरा दिया जाएगा, पाक साम निर्मल पवित्र मन बुद्धि चित्त सबको कर दिया जाएगा, तो फट से प्रगट जाएगा। इसलिए आपके साथ सेवा जुड़ी थी। और कौन सी सेवा? तो आप बहुत करते हो, परिवार में बड़ी सेवा, बाल बच्चों की, मकान बनाया, दुकान बनाया, जमीन बनाई, ये सब आपने सेवा तो की, लेकिन वो सेवा परमार्थी सेवा नहीं है, स्वार्थी सेवा। वो तुम्हारे निजी स्वार्थ की, जो समाज में देश में लोग सेवा कर रहे ये भी उनके स्वार्थ की, यानी पद की और अधिकार की पाने की, जिसमें कोई शारीरिक लाभ मान पाने की इच्छा है, वो सब स्वार्थी सेवा। ये भौतिक जितना भी काम आपने किया और कर रहे हो या करने की इच्छा रख रहे हो, ये सब स्वार्थी सेवा, इसमें परमार्थी कोई सेवा नहीं। और परमार्थी सेवा तुम्हारे पाप कर्मों के ढेर को हटाती है, इसीलिए कराई जा रही है। परमार्थी सेवा संत महापुरुषों ने क्यों रखी, इसका क्या लाभ क्यों कराया जा रहा। और अभी आपको मौका है कि जो आपकी संख्या कम है, जब बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं सेवा नहीं हो पाए, ये कुछ भी वहां नहीं होता, वो भी संदेश भी वहां नहीं सुन पाते, इतनी भीड़ हो जाती, सब मतलब यानी इधर उधर। तो इसलिए ये तो परमार्थी सेवा, तो ये नैमिषारण्य की तपोभूमि पर ही मिलेगी, और कहीं नहीं मिलेगी, आज भी कहीं नहीं हो रहा। आप पूरे हिंदुस्तान में देख लीजिए, पूछ लीजिए, परमार्थी सेवा का अर्थ ही कोई नहीं जानता कि परमार्थी सेवा क्या कह रही है, उन्हें क्या मालूम। जब संत महापुरुषों के परमार्थी वचनों को सुनोगे तब तुम्हारी समझ में आएगा कि परमार्थी सेवा क्या और किस लिए कराई जाती, इस सेवा का लाभ क्या है। ये तो सब आपको रोज ही बताया जा रहा है। ये भूमि कितनी पावन पवित्र है, जो हमारा सब तरह से काम करने के लिए ये सब ऋषि मुनियों ने मेहनत करके इसको बना दिया। कहा इसे भाई लाभ ले लीजिए, उनको तो कोई लाभ मिला नहीं, क्योंकि वो बेचारे तपस्या तो करते रहे कि, लेकिन तपस्या से जीवात्मा नहीं जगती है, कि वो शरीर इंद्रियों की कोई भी क्रिया कोई भी साधन आप करो उससे जीवात्मा का कोई मतलब नहीं, क्योंकि वो शरीर में नहीं है, शरीर के नाके पर बैठे, यहाँ से शरीर का काम खत्म हो जाता है। इसके नीचे ये आंखें कान ये शरीर का काम कर रहे, लेकिन ऊपर नहीं कुछ, ऊपर तो तभी तो यहाँ चंदन लगाते हैं, महिलाएं मेहंदी लगाती, लेकिन किसी को अर्थ नहीं बताएंगे कि यहीं पर क्यों लगाया जा रहा, इतना भारी शरीर है कहीं लगा दिया था। कहती नहीं, ये सिग्नल है, ये इशारा है कि जीवात्मा यहाँ बैठी, ये जीवात्मा का इशारा है। कोई गोल लगा दिया कि टिक मार्क है कि यहाँ बैठी है,
फिर कोई लंबा लगा दिया, कहा बैठी तो यहाँ है लेकिन चलेगी इधर तो घर पहुंचेगी, इधर जाएगी तो फंस जाएगी, उधर जाएगी तो निकल जाएगी, अपने घर पहुंचेगी। इसलिए ये लंबा तिलक का मतलब है, कोई ये बनावट नहीं है, वो महात्माओं का इशारा था, ये बेचारे इशारा समझे नहीं, एक दूसरे को देखकर नकल करने लगे, लेकिन इनको पता नहीं है कि गोल क्यों लगाया जाता, लंबा क्यों लगाया जाता, फिर ये ऐसे इधर ये सब क्यों किया जाता, ये महात्माओं ने सब इशारा करके बताया, लेकिन समझने वाला ये नकल करने वाले हैं सब, तो नकल में तो अकल की जरूरत है, तब तो नकल का लाभ मिलेगा, अगर अकल नहीं तो नकल का भी लाभ आपको नहीं मिलेगा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, नाम किसका, प्रभु का प्यारा नाम। अब आप लोगों को सौभाग्य से समय मिल गया है और परमात्मा की सेवा करने का, तो इस सेवा को जरूर करो, थोड़ा करो लेकिन करो जरूर, अपनी यथाशक्ति शारीरिक शक्ति के मुताबिक, ये नहीं कहा जा तुम रात दिन मिट्टी रहो, ऐसा थोड़ी है, वो जितना तुम्हारे सामर्थ्य है और जितना करोगे तो ये तुम मन मिट्टी थोड़ी डाल रहे हो, अपने कर्मों को उतार रहे हो, और जितना करोगे उतना उतर जाएगा, जितनी जल्दी करो उतनी जल्दी उतर जाएगा। अगर उतारने का भाव बन गया, समझ में आ गया तो सब उतर जाएगा। बड़े बड़े ऋषि मुनि योगी महान भगवान जिनको माना उतार ही सकते हो वो नहीं उतर पाए, तो तुम कैसे उतार दो। जब उतारने वाला कोई युक्ति देगा, साधन बनाएगा, उसे जब करोगे तब आपका काम। जय गुरुदेव। अब आप सेवा में चलो, देखो ये आपका सब्जी भाग है, इसको रोज देखिए, कोई पौधा खुल तो नहीं रहा, और देख रेख रखो, अगर पौधा उखाड़ दिया तो फसलें खत्म हो जाएगी, ये सब देख रेख रखिए। ये तमाम काल के जीव आ गए आगल पागल, इनको बरन बांध के डाल दो, बने रहेंगे तो एक दिन भाग जाके खुदी, तुम बात समझते नहीं, नुकसान कर देंगे तुम्हारा, तुम्हारा सब तरफ से ये काल के जीवों को ऐसे आगल पागल बना के भेज दिया जाता, बुद्धि हरण कर ली उनकी, भेजाओ तुम सत्संग में भी ध्वस्त करो, बिगाड़ पैदा करो, और तुम फट से वो कुछ करने लगे वही देखने लगते, कोई नाचने लगा कोई कूदने लगा, तुम समझते हो ये अच्छा है, अरे इस पर भूत आ गया, वो भूत कह रहा इसी तरह नचाऊंगा, अगर महापुरुषों की बात को तुमने नहीं सुना और नहीं किया तो तुम चार खान चौरासी लगे उन्हीं में नाचते रहोगे, कभी निकल नहीं पाओगे, तो इसको कोई अच्छा मत समझा कर। इसलिए ऐसे काल के जीव आ जाए तो फौरन पीछे उनके हाथ बांध दो, वो छोड़ दीजिए कुछ नहीं करेगा, आप बांध दीजिए पीछे, बस दिन रहेगा चला जाएगा, चला जाएगा फिर रुकेगा नहीं। हो तो ये सब अब तो सभी तरह के लोग आएंगे यार, क्योंकि सबको ये पता चल रहा है कि कहीं शांति नहीं है, कहीं शांति का बनने का संदेश नहीं हो रहा, ये नैमिषारण्य की तब भूमि से क्यों हो रहा, चलो भाई इस भूमि को देखे, अरे इस भूमि का तो दर्शन दुर्लभ है, जहाँ 88,000 ऋषियों ने तपस्या किया और सब बिगाड़ दिया लोगों ने, सब उसको कलंकित कर दिया, सब व्यापारिक केंद्र बना दिया, सब पैसे का यानी मतलब काम शुरू हो गया, लेकिन जिसने उन्होंने तपस्या की वो काम कोई नहीं कर रहा, क्योंकि उसके लिए संत गोस्वामी जी महाराज ने रामचरितमानस के उत्तर कांड में इशारा किया कि तुम लोग जाग जाओ चेत जाओ, 88,000 ऋषियों की तपोभूमि का लाभ किसको मिलेगा, उन्होंने स्पष्ट कर दिया, उसने तमाम गांव बसे हुए क्या लाभ मिला किसी को, इसका लाभ किसको मिला, और गांव बस गए और शहर बस गए और सब मतलब यानी वही शारीरिक भौतिक कामों में फंस गए, लेकिन इस भूमि का लाभ किसी ने नहीं समझा कि आखिरकार इस भूमि को पावन पुनीत बनाने के लिए यानी 88,000 ऋषियों ने तपस्या किया, उसका लाभ किसको मिलेगा, तो स्पष्ट कह दिया कि तीरत्वर नेमिस विख्याता अति पुनीत साधक सुखदाता, ये तीर्थों का तीरथ राजा नैमिषारण्य है, पावन पुनीत है, पवित्र है, लेकिन ये धरती का लाभ
किसको मिलेगा? जब कोई संत के साधक, संत के जीव नाम की साधना या करेंगे। ये नाम की साधना के लिए उन्होंने ये मेहनत किया, हजारों भक्त तपस्या किया। जब नाम की साधना करने वाले यहाँ साधक आएंगे तो हमको भी कुछ शांति मिलेगी, तब उनको इस तब वो जो कर्म किया उसका लाभ उनको मिलेगा, शांति मिलेगी उनको। लेकिन यहाँ तो कुछ हुआ नहीं, कितने युग निकल गए और लिखा बड़ी रखी है 550 वर्ष पहले गोस्वामी जी महाराज आए, उन्होंने रामचरितमानस लिखा कि भाई ये सब लोग समझते रहना, पढ़ते रहना, इसका लाभ किसको मिलेगा? जब तुम वो बनोगे, उनकी शरण में जाओगे, वो तुम्हारे पर दया कृपा मेहरबानी करेंगे इस भूमि पर, तब तुम्हें लाभ मिलेगा। तो लिखा बड़ी समझ लेगी, जानता नहीं, किसी के समझ में कुछ नहीं आ रहा, क्योंकि समझने का तो प्रयास आप करते नहीं, और समझने के लिए बुद्धि परीक्षण का यंत्र तो दिया लेकिन यंत्र का प्रयोग नहीं किया, उसको भी गंदा कर दिया। ये शराब बुद्धि नाशक नशा, ये बुद्धि को ही नष्ट करती है। जब बुद्धि खत्म हो जाएगी, परीक्षण का यंत्र खराब हो जाएगा, तो आप पहचान किससे करोगे? और तो किसी से पहचान होती नहीं, और शराब पी के बुद्धि पागल होती है, और माँ बहन बेटी की पहचान खत्म कर देती है। देखो कितना खराब, तन खराब, मन खराब, बुद्धि खराब, और धन खराब, परिवार खराब, समाज खराब, ऐसा नशा। और जिम्मेदारों ने इसी के ठेके खोल दिए, इनको भी नहीं मालूम है कि हमारा देश, हमारा समाज खराब किससे हो रहा, परेशान किससे हो रहा, गरीबी किससे आ रही, इनको भी होशो खबर कुछ नहीं, इनको भी नहीं मालूम है, क्योंकि सजा पाने का इनका भी समय आ गया। गोस्वामी महाराज ने सब लिख दिया, पूरा रिजल्ट आउट किया उसमें कि जा सुराज प्री प्रजा दुखारी, सोन पवस नरक अधिकारी, जिसके राज में प्रजा दुखी होगी वो राजा नरक में जाएगा। आज क्या प्रजा सुखी है? एक दुख नहीं, सब दुखी दुख है, चारों तरफ दुखों ने घेर लिया भारत की प्रजा को, लोकतंत्र प्रजातंत्र सब खत्म हो गया, कुछ नहीं बचा है, केवल लूट तंत्र हो गया। ये सामने आके खड़ा हो गया, आपको ये सब समझना चाहिए कि जी संत महापुरुषों ने पहले ही परिणाम लिख दिया कि जा सुराज प्री प्रजा दुखारी, सोन पवस नरक अधिकारी, जिसके राज में प्रजा दुखी होगी वो राजा नरक में जाएगा। क्या इन लोगों ने पढ़ा नहीं है? ये धर्मशास्त्रों के पन्ने नहीं है? जब धार्मिक सत्ता बता रहे हैं, अपने को धार्मिक बता रहे हैं, तो ये संत महापुरुषों का ये धार्मिक वचन ये कब सुनेंगे, कब समझेंगे, कब लागू करेंगे? देख लीजिए आप, तुम्हारे घर में लिखा पड़ी रखी उसी को नहीं समझ पाए। जिसके तहत जितने जीव है, अब एक ही पर नहीं लागू, महापुरुषों का सूत्र नियम कानून सब पर लागू होता है, चाहे देश का राष्ट्रपति प्रधानमंत्री हो, चाहे प्रदेश का मुख्यमंत्री हो, चाहे जिले का डीएम हो, तहसील का तहसीलदार हो, ब्लॉक का ब्लॉक अध्यक्ष हो, और गांव का मानी घर का गमानी मुखिया और गांव का प्रधान हो, ये सब पर कानून है। जिनके आश्रित जितने लोग रह रहे हैं, अगर ये दुखी होंगे तो वो सीधे नरक में जाएगा, सीधा कानून बना हुआ, ये तो समझना चाहिए। और जिसके तहत जितने हैं सब परेशान, क्योंकि परेशानी का ही मंत्र जानते हैं, परेशान करने का, परेशानी बढ़ाने का, परेशानी में रखने का ये केवल मंत्र जानते हैं, लेकिन परेशानियों से निकालने का मंत्र सूत्र इनके पास नहीं है। होता तो 70 साल की आजादी का कितना बड़ा समय मिला, अब तक सब कुछ हो गया होता, और दिन पर दिन बिगड़ता चला जाता, बनने की कहीं बात नहीं, बिगड़ने की बात है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। अब आप लोग सेवा में चलो, मैं शाम को सबसे मिलूं, कोई विशेष इमरजेंसी जरूरत हो तो 2 घंटे बाद आपसे मिलूंगा, इसके पहले नहीं पूछू, समझ लीजिए आप। तब तक तो आप सेवा कर लीजिए, अगर जाना भी तो सेवा करके जाओ, अरे कुछ करके जाओ, कुछ लेके, कुछ अपना बना कर, कुछ उतार कर बोझा जाओ तो अच्छी बात है, आने का मतलब हुआ सिद्ध,
ये वादा क्या बनेगा? इस तपोभूमि पर आए हो तो कुछ न कुछ तपस्या जरूर करो। ये तपस्या ही है साधारण, साधारण कलयुग जीव कमजोर है तो कमजोर के लिए कमजोर साधन बता दिया कि भाई तुम सेवा करो, इस सेवा से लाखों लोगों को लाभ मिलेगा, ये तुम्हारा परमार्थी सेवा बन जाएगी। अब आप सेवा में चलिए। देखो जो इशारा किया गया है दो दो टोलियां जिले में, उसका कोई राज रहस्य है? आगे आने वाली कोई भूमिका है? ये कोई व्यवस्था है? ऐसे थोड़ी बताया जा रहा। तो दो टोलियां वैसे एक ही रहेगी, दो का मतलब एक आएगी और तब तक वहां वो तैयार कर लेंगे, जब वो आएगी तो उसी में दूसरे चले, यानी एक टोली रहेगी, उस टोली जब वो आएगी तो हर ब्लॉक के लोग अलग अलग से आएंगे, तो धीरे धीरे जिले के लोग आ जाएंगे पूरे। पहले समझ लीजिए व्यवस्था, समझ में आ जाएगी, जल्दी काम हो जाएगा। अपनी बुद्धि लगाकर तुम समझते नहीं हो, अपना बिगाड़ कर बैठते हो, तो इसलिए बात को समझा। टोली दो लेकिन एक, कहने के लिए दो है लेकिन आएगी तो एक ही, वही लौट के वापिस जाएगी, फिर जो नए लोग न दूसरे ब्लॉक वाले वो आ जाएंगे, फिर तीसरे ब्लॉक वाले, फिर चौथे पांचवे, इस तरह के पूरे जिले के लोग आ जाएंगे, धीरे धीरे व्यवस्था में पूरा प्रांत भी आ जाएगा। इस भूमि पर, इस भूमि पर बुलाने का ये तरीका है। 88,000 ऋषियों की तप भूमि का लाभ कैसे दिलाया जाए, कैसे मिले, उसके लिए योजना बना दी। और टोली जब यहाँ आएगी तो सेवा करेगी, उससे तुम्हारा परिचय होगा, क्योंकि तुम्हारा तुम अपना परिचय छिपाते हो, जब छिपाओगे तो तुम तुम्हारा इतिहास में नाम कैसे होगा? इसीलिए कहा झंडा डंडा, अधिकार का प्रतीक है झंडा और तुम्हारी पहचान है। जब तुम झंडा डंडा कंधे पर डाल के निकलोगे तो एक अनुशासन और एक मर्यादा और एक संगठन का प्रतीक बन के दिखाई देगा, लोग समझेंगे और उससे तुम्हारी पहचान होगी, कहेंगे जय गुरुदेव वाले, ये तुम्हारी पहचान, और कोई वाले वाले नहीं है, जय गुरुदेव वाले, क्योंकि और कोई ये कर नहीं रहा। अगर तुम्हारा नाम न रखा जाए तो तुम्हारा काम कैसे होगा? फिर उस नाम का जो दाम है, परिणाम है या लाभ, वो कैसे आपको मिलेगा? धीरे धीरे बात को समझा करो। पहले बगैर झंडा डंडा के तुम्हारी कोई पहचान नहीं होगी, पहचान नहीं, बाद में तुम कितनी पहचान दो तो लोग कहेंगे अरे भाई तुमने कभी कंधे पर तो जो इशारा किया था, यानी अधिकार का प्रतीक, वो तो तुम्हारे कंधे पर कभी मिला नहीं, लिया जा तुम ये अधिकार पाने के अधिकारी नहीं हो, तो आपका नुकसान हो जाएगा। पहले समझ लीजिए बात पूरी। तो ये एक ट्रोली में 11 प्रेमी हो, 10 लोग सेवा, और जो एक होगा टोली नायक, वो सेवा के बारे में जानकारी देगा, जो आदेश संदेश निर्देश समय से मिलेंगे उनकी जानकारी देगा, वो बताता रहेगा सब आप, और धीरे धीरे ये भी देखा जाएगा कि इनमें कौन सा सच्चा अच्छा है, सच्चाई का काम कर रहा, तो धीरे धीरे बदल बदल करके सबको टोली नायक बनने का अधिकार भी मिल जाएगा, और उसी में से अच्छा सच्चा निकल आ जाए उसको परमानेंट बना दीजिए। पहले बात समझिए आप, बगैर कर्म किए तो आप पहचान नहीं कर पाओगे, सच्चा है, अच्छा है, ईमानदार है, चरित्रवान है, कैसा है, क्या है, ये धीरे धीरे सब पहचानोगे। जय गुरुदेव। और हिंदुस्तान में एक नई लहर फैल गई, क्योंकि कहीं कुछ हो ही नहीं रहा, इतना सब डर गए हैं प्राकृतिक प्रकोप बीमारी से कि 10-5 प्रेमी इकट्ठे नहीं हो पा रहे, जबकि गुरु परिवार तो 45 करोड़ का है, वो कैसे इकट्ठा होगा? जब यहाँ 10-20-50 लोगों को इकट्ठा करने में शासन प्रशासन सब बेचारा डर रहा है और सब लोग भी डर रहे हैं, तो ये संगठन कैसे बनेगा? ये अलग अलग करना, दूरी बनाना, ये विघटन है, संगठन नहीं है। पहले आप ये भी समझ लीजिए, ये सब विघटन ही बना रहे, कोई किसी के पास बैठ नहीं पाएगा, मिल नहीं पाएगा, तो एक दूसरे की मदद
आप कैसे करोगे, एक दूसरे की पहचान कैसे करोगे, ये सब विघटन कर रहे हैं कि संगठन कर रहे हैं, ये भी नहीं आप समझ पा रहे। सब विघटन की तैयारी हो रही, क्यों? धर्मशास्त्रों ने पहले कह दिया, विनाश काले विपरीत बुद्धि, जिनका विनाश होना है उनकी बुद्धि विपरीत दिशा में काम करेगी। जब जैसी हो तब्यता, तब तैसी मति होए, और काल रेखी ले को मेट सके नहीं कोई, किसी की ताकत नहीं है ये काल के विधान को मेट दे, क्योंकि काल अब सबको सजा सुनाने जा रहा, क्योंकि आपने काल की बस्ती नगरी में रहकर काल का भी काम आपने नहीं किया, दयाल का तो काम जानते ही नहीं हो, काल का काम भी नहीं किया। काल देश में भी तो मर्यादा है, यहाँ भी अनुशासन है, यहाँ भी चरित्र है, यहाँ भी सेवा और मतलब यानी अच्छा कर्म, यहाँ भी करने की सलाह है। काल कोई गलत सलाह नहीं देता, लेकिन वो सलाह अपने देश में रहने की देगा, निकलने की नहीं देता, बस इतना अंतर है। बाकी वो भी सच्ची अच्छी बात कहता है, अरे भाई धर्म के लिए मानवता इंसानियत प्रेम प्यार मोहब्बत सेवा दया सदाचार परमात्मा की याद कराने के लिए, माँ बहन बेटी बहू की पहचान कराने के लिए भगवान राम को धर्म के लिए रावण से लड़ाई लड़नी पड़ी, भगवान के सुगो धर्म के लिए महाभारत करना पड़ा। ये तो इतिहास आपके पास है ही, आखिरकार ये सब क्यों किया गया? धर्म प्रधान है और धर्म माने व्यवस्था। पहली बात, कोई धार्मिक व्यक्ति जितने आप पूछिए तो धर्म कर्म की परिभाषा नहीं जानते। कहो धर्म क्या, कहेंगे पूजा करो, पाठ करो, तीर्थ करो, व्रत करो, हवन जब कभी अब गंगा स्नान करो, अरे करो माने कर्म और धर्म माने धर्म जो धारण किया जाए जीवन में उतारा जाए, तो ने धर्म माने व्यवस्था, व्यवस्था का नाम धर्म है। अब व्यवस्था बिगड़ी, कर्मचारी अधिकारी कोई नहीं बिगड़ा, इनकी व्यवस्था ही बिगड़ गई, सारी व्यवस्था बिगड़ गई, यानी धर्म चला गया, तो उस धर्म को लाने के लिए फिर कोई संग्राम होगा, वो संग्राम खूनी क्रांति का होगा कि वैचारिक क्रांति का होगा, यही तो आपको समझना है। अब खूनी क्रांति वाले संग्राम से कोई काम नहीं होना है, अब तो वैचारिक क्रांति से, वैचारिक माने भाव विचारों को तुम्हारे ठीक कर दिया जाए तो सब अच्छे हो जाएंगे, खराब कोई नहीं, केवल गंदे खान पान के कारण तुम्हारे विचार खराब हो गए। जैसा करो आहार वैसे बने विचार, जैसा खाओ अन्न वैसा बने तन मन, और जैसा पियो पानी वैसी हो बेमानी, ये तो सिद्धांत लागू भारत देश के लिए, तुम्हारा खाना पीना ही तो बिगड़ गया है। अरे भाई यही तो हमें आपको कि बिगाड़ कैसे हुआ, किसके द्वारा हो रहा, इस पर हमें सबको विचार करना चाहिए और संगठित होकर उसके लिए प्रयास और प्रयत्न करना चाहिए, लेकिन कुछ नहीं, संगठन तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि आपको ये सिखाया जा रहा दूरी बना के रखो, दूरी बना के रखो, क्या दूरी संगठन का प्रतीक है, या दूरी से संगठन आ सकता है, बन सकता, और दूरी से तो प्रेम प्यार मोहब्बत भी दूर हो जाएगा, सारा लगाव संबंध रिश्ता ये सब मिलने से होता कि दूर रहने में होता है, ये भी नहीं लोग समझ पाए कि दूरी बनाने से हम सब एक दूसरे से दूर हो जाएंगे तो एक दूसरे के काम कैसे आएंगे, एक दूसरे की मदद सेवा कैसे करेंगे, ये सब जानकारी आपको करनी चाहिए। जय गुरुदेव, इसने सारे लक्षण विनाश किए, इसे कोई रोक नहीं सकता। जब राम ने कितना प्रयास किया कि संग्राम ना हो, ये रोगों की जाने न जाए, खून खराबा ना हो, ये व्यवस्था अव्यवस्था में परिवर्तित ना हो, बड़ा प्रयास किया, लेकिन होनी होनहार बलवान, इसे कोई मत मानो झूठी, गई मंथरा पास के कई पिला दही बूटी, राम लखन बनवास सिधारे, दे राजा दशरथ की छूटी, इसे कोई मत मानो छूटी। ये तो भाई होनी है, होनी माने जो हमने आपने अच्छा बुरा किया है उसका परिणाम होनी ही कह रहा था, और दूसरी भाषा यानी उस समय लोगों ने और प्रयोग किया कि कर्म गति टारी ना टारी, बातें की कि अगर जो आपने कर्म किए हैं
उसकी गति को, उसके परिणाम को कोई रोक नहीं सकता। कर्म गति तारे नाई तरी, गुरु वशिष्य से पंडित ज्ञानी, जिन शोध के लगन धरी, और सीता हरण मरण दशरथ को बनहुम विपत पड़ी, कर्म गट्टारी नाई तरी, जिनको आपने अच्छा और सच्चा और समय का अवतार माना, जब उनकी यानी मतलब कर्म गति नहीं टली तो तुम्हारी कौन डाल देगा। का ये अधिकार संतों को, संत लेख पर मेख मारे, जो यानी ब्रह्मा ने जो कर्मों की गति बना दी, विधान बना दिया, का संत महापुरुष उसको भी काट देते हैं, उसकी व्यवस्था को परिवर्तित कर देते हैं, ये अधिकार सृष्टि में उनको है, किसी को नहीं। ये सब लिखा पढ़ी तुम्हारे घर में रखी, समय से पढ़ लेते, जान लेते तो आज तुम्हारा पारिवारिक जीवन, सामाजिक जीवन, व्यवहारिक जीवन ये कष्ट में नहीं होता, साफ सच्ची सुख शांति में बने होते। लेकिन आपने कुछ किया ही नहीं, बगैर किए तो कुछ मिलेगा नहीं। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। अब आपके लिए सेवा देख रहो, उसमें लग जाओ, और कोई कोई सेवा रहो तो भजन करो बैठ कर, यहाँ आए हो तो खाली मत बैठो, इस भूमि का लाभ जब मिलेगा जब कुछ करोगे। ये बैठने लेटने और खाते रहो पड़े रहो, इससे कोई लाभ नहीं है, कर्म कर जाओ चढ़ाते रहोगे, फायदा आपको कुछ नहीं मिलेगा, इसलिए कोई ना कोई सेवा जरूर। तमाम सेवाएं ये आपकी सब्जी फार्म या देखिए घूम करके, कोई पौधा की मिट्टी तो नहीं हट गई, तुरंत उसको चढ़ा दीजिए, इधर उधर सब आपकी व्यवस्था है, ये सेवा का आधार है। अगर कोई आधार न बना जाए तो आप सेवा कैसे करें, कोई ना कोई आधार, और फिर आगे लोग आएंगे उनके लिए कोई आधार बन जाएगा, यहाँ सेवा का आधार हमेशा रखा जाए। सेवा के अलावा और पाप कर ही कह सकते हो, और तो तुम्हारे बस का भजन, कोई संयम कोई त्याग ये तो तुम्हारे बस का है नहीं, तो इसलिए ये सरल आधार आपके लिए रखा है। जय गुरुदेव। अब आप लोग सेवा में चलिए, मैं शाम को सबसे मिलता हूँ और प्रसाद देता हूँ। आप प्रसाद भी आपको कोई नहीं देगा, कहीं हिंदुस्तान में चले जाओ आज तक किसी ने प्रसाद दिया ही नहीं, तुम ही ले जाते हो खरीद के, उस पुजारी को देते हो, तुम्हारे पर यानी उससे निकाल कर थोड़ा तुमको दे देता और बाकी सब रख लेता, तो यहाँ देने वाला कोई नहीं। ये सब समझो, ये काम क्यों किए जा रहे, इनकी क्या जरूरत है, किससे किसका काम, किसका सुधार, किसको लाभ मिलेगा, वो सब जानकारी सब शोध करके ही ये व्यवस्था यहाँ बनाई गई, और ये व्यवस्था को सभी लोग स्वीकार करें, आज नहीं तो कल, क्योंकि तुम अपनी अपनी व्यवस्था में परेशान हो चुके हो, तुम्हारी व्यवस्था सब परेशानी की, कोई सुख शांति की नहीं है, तो सुख शांति तो सबको चाहिए। जब वहां उब जाओगे, परेशान हो जाओगे, चारों तरफ से लोग ठग लेंगे, लूट लेंगे, तो तुमको अंततोगत्वा इस तपोभूमि पर तो आना ही पड़ेगा, ये सबको सुख शांति देगी, इसलिए आधार बना दिया गया। जय गुरुदेव। तो शाम को मिलूंगा आपसे, जो कोई बहुत इमरजेंसी जरूरत में हो तो 2 घंटे बाद अंदर आपसे मिलूंगा, ऐसा नहीं है, मैं सब में मुझको तो कोई डर है नहीं कि तुम बीमारी लेके आए हो, छू लोगे हमको बीमार कर दोगे, अरे तुम बीमार हो तो ठीक हो जाओगे, ठीक हो जाओगे, यहाँ ये नहीं है। हमारे पास अधिकारी अधिकारी आए कि अरे आप कई लोग सब पैर छूते हैं, और मतलब ये कोरोना बहुत जोरी से चल रहा है, तुमने कहा कि पैर छूने से कोरोना आ जाएगा, पैर छूने से कोरोना आ जाएगा कि पैर छूने से कोरोना चला जाएगा, तुम्हें भी नहीं जानते, तुम ये पैर तो तुम्हारे भी लगे, उन्हीं को घर में छू लेते हैं, क्या भाई ये चरण होते हैं, 7 गुरु के चरण, बाकी सबको पैर, बात तो असली है। तो यहाँ आए अधिकारी, दूर से बेचारे खड़े रहे, देखते रहे कि सब नंगे पैर बैठे हुए हैं, और जो आता सोचा था कह लगे इतनी अवस्था बुढ़े हो गए, और बाबा कुछ हो गया तो तुम लोग क्या करोगे, अरे अगर हो जाएगा तो फिर ठीक कौन करेगा,
अगर ऐसा होना होता तो इस भूमि पर आने की जरूरत क्या थी, जमीनें तो बहुत पड़ी है, तमाम धर्म स्थल पड़े, तमाम मंदिर मंदिर मस्जिदें आपने बना डाली, लेकिन कहीं से आपको शांति नहीं मिली। और वहां भी जब कुछ नहीं मिला तो कुदरत ने कहा इनमें ताला डाल दो, इनमें कुछ नहीं है, ये सब इसी में फंसे रहेंगे, इसी जनता की ममता में फंसे रहेंगे, चेतन में कभी जाएंगे नहीं, चेतन की तलाश करेंगे नहीं, तो इनका कोई काम नहीं हो पाएगा। तो कुदरत का ताला डालो, जब ताला लग गए तभी तुम नहीं समझ पाए कि मंदिर मच्छी के जागर उदारों धर्म स्थलों में कभी आज तक ताला लगे हैं, ये भी काल का कानून देखिए आप, ये कलयुग जाने की तैयारी में है, कैसे कैसे काम कर रहा, तुम्हारे सारी धार्मिक व्यवस्था को एकदम अस्त व्यस्त कर रहा है, जहां तुम्हारी आस्था जुड़ी थी कितने युगों से, आज उसमें ताले लगवा दिए, कहता यहां कुछ नहीं, फिर है कहां, अरे यहां कुछ नहीं तो है कहां, ये भी तो आपको सोचना चाहिए, तो काल भी तो आपको समझा रहा है यहां कुछ नहीं, जाओ संत महात्माओं को ढूंढो, उनकी तलाश करो, वो मिल जाएंगे, तुम्हें सुख शांति का उपाय और रास्ता तरीका बता देंगे आपको, उनके पास जाओ। और उनके पास जाने में शर्म लगती है उनको, जाओ, क्योंकि उन्होंने कोई अच्छे कर्म तो किए नहीं, जानते हैं कि महात्मा सिर्फ याद रखे सब बता देंगे तुमने क्या किया, जैसे डॉक्टर जब आला लगाता है तुम्हारे अंदर की बीमारी फट से जान लेता, ऐसे सिर पर हाथ पड़ते ही सब समझ जाया जाता, तुम कैसे कैसे करके आए हो, कितना खराब करके आए हो, चलो अब थोड़ा ठीक हो जाओ और ठीक हो जाएगा, धीरे धीरे आते रहो और यहाँ की व्यवस्था समझते रहो और कर्म कार्य को सेवा से उतारते रहो तो ठीक हो जाओगे, कितना सरल तरीका है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा, जब उनकी समझ में नहीं आ रहा तो इनकी समझ में क्या आएगा, जो अपने को समझदार कह रहे, समझाने के लिए कितने खड़े हुए, लाल पीले कपड़े पहने, दाढ़ी बाल रखने वाले, कुछ समझा पाए, कोई समझ उनके अंदर है क्या, उन्होंने समझाए जो तुम्हें समझा देंगे, और सब बेचारे डर गए, सबके मुंह बंद, सब भाषण प्रवचन सब खत्म, सब खत्म, नेताओं का भाषण खत्म और महात्माओं का प्रवचन खत्म हो गया, सब डर गए, क्योंकि सब जानते हैं कि भाई मेरा कोई निजी ओन एक्सपीरियंस, निजी अनुभव तो है नहीं, किताबों से पढ़ लिया और सुन लिया, पता नहीं सही है कि नहीं है, जब उन्हीं को विश्वास नहीं है अपने ज्ञान पर, तो उस ज्ञान को तुमको कौन विश्वास दिला देगा, जब उनका काम नहीं हुआ ये कागज पढ़ने से और पत्थर पूछने से, तो तुम्हारा कौन सा काम करा देंगे, जिनका खुद काम नहीं हुआ। तो कुदरत ने तो फैसला ले लिया, खंडालो तारा इसमें कुछ नहीं, सभी इसमें अटके भटके पड़े हैं, श्रम समय पूंजी बर्बाद कर रहे और मेरा कुछ नहीं, जाओ उन चेतन शक्तियां, वो महापुरुष महात्मा जो समय से आए वो सब जानकारी तुमको दे देंगे, और वहां एक पैसा नहीं खर्च, कोई चढ़ावा नहीं है, यहाँ कुछ नहीं। अब ये प्रेमी अपनी इच्छा से ले आते हैं तो उनकी सेवा का आदर किया जाता है, बाकी यहाँ कुछ नहीं, यहाँ तो उसकी जरूरत ही नहीं है, और जरूरत है तो तुम्हारे लिए व्यवस्था की जा रही, भाई तुमने दिया कि एक रुपया 1050 हमारा ले लो तो हम लेके करेंगे क्या, हमको तो चाहिए नहीं, हमने कहा ठीक है, अगर तुम्हारी ऐसी ऐसा सेवा भाव श्रद्धा भाव है तो मैं तुम्हारे काम में लगा दूंगा, तो ये तुम्हारे लिए ये व्यवस्था देगी, ये सब्जी फार्म तैयार, अब आपको किसी दुकान बाजार मार्केट जाने की जरूरत है, वहां सब मिलेगा शुद्ध और महंगा मिलेगा, अशुद्ध भी है महंगा, बीमारी हैरानी देने वाला, ये बीमारी हटाने वाला, इसको देखिए आप, तो ये तुम्हारा है, अपना समझकर इसकी व्यवस्था देखिए, सब भार हमारे पर मत छोड़िए, इतना लोड हमारे पर छोड़ा आपने, दूसरा वो तो पागल हो जाएगा, थोड़ा बहुत लोड परिवार का तुम पागल हो जाते, या तो पूरा लोड है सब, और तुम्हारा भी है, आगे आने वाले लोगों का, समाज और देश और दुनिया ये सब ठीक हो जाए, सब बदल जाए, ये कितना भारी लोड है, लेकिन लोड नहीं समझा जाता, उसे काम समझ करके किया जा रहा, लोड तो जो चिंता करते वो लोड ना दे घूम रहे, क्या चिंता से कोई काम बन जाएगा, अरे उस काम का तरीका सोचो, उसका उपाय रास्ता निकाल लो, सब अपने अपने होता चला जाएगा,
देखिए आप किस तरह से हो रहा, हमारे पर कोई लोट नहीं, मैं तो लोट समझता नहीं हूँ, मैं तो इसको काम समझता हूँ, सेवा समझता हूँ, अपना धर्म और कर्तव्य समझता हूँ कि मेरा कर्तव्य है, मुझे करना चाहिए। अगर आप सब लोग अपना कर्तव्य समझ लो, देश दुनिया वाले अपना कर्तव्य समझ लेते तो समाज का नक्शा कुछ और ही होता। जय गुरुदेव, अब आप लोग चलिए सेवा में, जो बहुत इमरजेंसी है उससे मैं 2 घंटे बाद मिलूंगा, उसके बाद पहले नहीं, क्योंकि अभी हमें तो अपना बहुत शारीरिक काम बहुत सा करना है, थोड़ा सा इसको मतलब यानी नहीं तो ये कमजोर हो जाएगा, फिर मतलब काम कैसे करेगा, इतनी उम्र में इतना बड़ा लोड, इतनी भाग देगा, आप क्या समझते हो, 1-1 लाख लोगों पर अगर मैं आपसे कह दूं जरा हाथ रख दीजिए तो तुम थक जाओगे, इसी में थक जाओगे, और उनकी भी सुनना कितने मतलब यानी तरह तरह के ये कर दीजिए ये कर दीजिए, ये परेशानी वो परेशानी, तुम सुनते ही पागल हो जाओगे, तुम्हारी बुद्धि नहीं काम करेगी, और ये सब यहाँ हो रहा है और उसी खुशी से हो रहा है, ये कोई लोड नहीं है, ये हमारा कर्तव्य है, मैं कर्तव्य समझ कर करता रहूंगा, और आप भी अगर अपना कर्तव्य समझ लो तो तुम्हारा भी काम हो जाएगा। जय गुरुदेव, सब कर्तव्य ही भूल चुके हैं कि अपना कर्तव्य, अपना कर्म और धर्म, अपनी व्यवस्था अगर ये समझते रहते तो आज ये हिंदुस्तान सोने की चिड़िया कही गई तो इतिहास खत्म हो गया, सोने की आगे लकड़ी की भी नहीं रही, इतना खत्म कर दिया। तुम सब यानी पुराना इतिहास धीरे धीरे कलंकित कर रहे हो, अपमानित कर रहे हो, इतिहास का उपहास कर रहे हो, ये भी सजा आपको भोगनी पड़ेगी। क्या भारत देश दूसरा है जो उन्होंने किया तुम क्यों नहीं कर पा रहे, उन्होंने तो ऐसा ऐसा किया जो तुम सोच भी नहीं सकते हो, और तुमको अधिकार मिला है तो तुमको भी करना चाहिए। अरे इतिहास तो एक तुम्हारे सामने प्रतीक है, इसको देखकर आप करिए कि लोगों ने कैसे राजनीति चलाई, भगवान राम ने भी राजनीति की, भगवान कृष्ण ने राजनीति, भारत ऐसा देश जहाँ भगवान ने खुद राजनीति की, राज में नीति की स्थापना किया, राजनीति का मतलब कोई भाषण स्पीच, कोई एक्ट टैक्स बढ़ाना और लूटना और सबको परेशान करना, महंगाई गरीबी में सबको उठा के डाल देना फेंक देना, ये नहीं है राज में नीति, अगर नहीं है तो राजनीति नहीं है। इसीलिए राज और नीति दो शब्द हैं, राज का संबंध राजा से और नीति का संबंध महात्मा से, अगर संत महात्मा गुरु नीति बना देंगे तो राजा राज करेगा, इनके यहाँ कोई महात्मा ही नहीं है, वो खुद ही महात्मा बन गए, देख लीजिए क्या हो रहा। जब इतिहास बता रहा है सच्ची राजनीति धर्मनीति और परिवार की नीति, सत्य और न्याय की नीति को चलाने के लिए भगवान को 2 गुरुओं की जरूरत पड़ी, राजनीति व्यवस्था के लिए वशिष्ठ जी और धर्मनीति व्यवस्था के लिए विश्वामित्र जी, ये 2-2 गुरु भगवान को जरूरत पड़ी, और इंसान कह रहा गुरु कुछ नहीं, तो देख लो राजनीति चलाई जाए कि घसीटी जा रही, घसीटने में जनता की चिथड़े उड़ जाएगी, जरा रहम करो दया करो, भगवान सब देख रहा, तुम भगवान को नहीं समझ पा रहे हो, तुम्हारी सारी करनी नोट हो रही है। जय गुरुदेव, अब आप सेवा करिए, ये वो सेवा है जिसमें तुमको तो लाभ मिलेगा ही, तुम्हारा 2 तरफ का लाभ है केवल सेवा करने में, एक तो कर्म कर्जा उतर रहा, क्योंकि ये सेवा कर रहे हो आप भी तो इस्तेमाल करोगे, तुम्हारी भूख की तृप्ति होगी, लेकिन जितने आएंगे वो सबको यहाँ और मुक्त हो जाए, यहाँ कोई टैक्स नहीं है, मैं ये नैमित धाम के लोगों को सदगुरु धाम की स्थापना करके मैं बताना चाहता हूँ कि जो धर्मशाला की बात आप लोग करते हो, क्या धर्म के अंतर्गत किराया भाड़ा लिया जाता, रोटी का किराया, ठहरने का किराया, टंटी पेशाब करने का किराया, फिर तुम कौन सा धर्मार्थ परमार्थ इसमें शामिल किए, किसे धर्म कह रहे हो, सब खत्म हो गया कुछ नहीं। तो अगर ये नैमित धाम में ये सब हो गया होता तो हमको नैमित धाम में सतगुरु धाम बनाने की क्या जरूरत थी,
तुमने कोई काम नहीं किया और व्यवस्था सब खराब कर दी और धर्म की कर्म की और संत महापुरुषों की मंदिर मस्जिद की जागे गुरुद्वार धर्म स्थलों की सारी व्यवस्था आपने सब स्वार्थ में बदल दी है, इसलिए हमको परमार्थी व्यवस्था लागू करनी पड़ी है। यह सब आपके सामने हो रहा, देखिए यहाँ कोई रोटी का कोई पैसा नहीं, ठहरने का कोई पैसा नहीं, बिजली पानी का कोई पैसा नहीं, दवा दी जाती कोई पैसा नहीं, और तुम्हारे बिना दहेज की शादियां जो इस समय समाज पर एक भारी कोर जैसा रोग लगा हुआ है, तमाम लोग सुसाइड हो रहे हैं, बेटी सियानी हो गई, पैसा है नहीं, कल क्या करे, सो मारे चिंता मारे बर्डन के कोई फांसी लगा रहा, कोई जहर खा रहा, मैं उस व्यवस्था को भी खत्म कराना चाहता हूँ, इसलिए मैंने जय गुरुदेव आध्यात्मिक वैचारिक क्रांति की स्थापना की है और उसका रजिस्ट्रेशन सरकार से करा करके मैं ये सब काम निःशुल्क कर रहा हूँ। हमारी जय गुरुदेव आध्यात्मिक वैचारिक प्रचार समिति बिना दहेज की शादियां और मुंडन संस्कार जितने हैं तुम्हारे जीवन के, तुम्हारे समाज के जितने संस्कार हैं, सारे संस्कार निःशुल्क किए जा रहे, कोई यहाँ पैसा नहीं लिया जा। अभी कार्यक्रम में चार शादियां तो भी हुई, देखिए शांति का कितना अच्छा उपाय, सबकी समस्या हल हो गई। एक दहेज जैसा कोर है इस देश पर लग गया है, बेचारे परेशान है, इस कोर की बीमारी में कितने लोग सुसाइड कर रहे हैं, ये प्रेत योनि में जा रहे हैं, एक बार मनुष्य मंदिर ये बिगड़ जाएगा तो दोबारा नहीं मिलेगा, ईंट पत्थर वाला गिर जाए तो फिर बना लोगे, लेकिन मनुष्य मंदिर अगर नष्ट हो गया तो दोबारा आप नहीं बनेगा, इसलिए इसकी रक्षा करो, इसकी हिफाजत है, अब उसकी रक्षा के लिए उसके साधन बना दो, जिसके द्वारा ये करने के लिए मजबूर हो रहा है वो साधन बना दो, तो ये जय गुरुदेव आध्यात्मिक वैचारिक प्रचार समिति ये सब साधन बना दिया बिना दहेज की शादियां और निःशुल्क मुंडन संस्कार और नामकरण और यज्ञोपवीत ये सब निःशुल्क हो रहा, और लोगों को आवास में कोई नहीं तकलीफ है, अब लोग अपना निजी आवास की इच्छा कर रहे, तुमने कहा जमीन पड़ी बना लो, आप कहा नहीं नहीं बनवा दीजिए, तो भाई उसकी कीमत दे दीजिए, बनवा दिया जाएगा तो बनवा दिए गए, उधर आवास थे किया व्यवस्था सब है, या कर लो चाहे करा लो, तो व्यवस्था तो बगैर पूंजी की हो नहीं सकती, मैं कोई अपने लिए तो नहीं मांग रहा हूं कि हमको दे दिए, तुम्हारे रहने और खाने पीने लैट्रिन बाथरूम की तुम्हारी व्यवस्था है और तुम्हारे लिए बना दी गई है, आप उसका प्रयोग करिए। अब ये जरूर मैंने रखा कि आप ये अगर बना भी लोगे तो आप बेच नहीं सकते, ये जमीन समिति की रहेगी, किसी व्यक्ति की नहीं होगी, ना किसी के नाम, ना मेरे नाम, मेरे नाम तो यहाँ कुछ भी नहीं, एक इंच जमीन भी मेरे नाम नहीं है, और कोई भी चीज मैं अपने नाम से कभी करता नहीं हूँ, क्योंकि मुझे जो काम करना है वो अपने नाम के लिए नहीं है, वो जनता के लिए, वो प्रेमियों के लिए, गुरु परिवार के लिए सब होगा, और उसी से देश दुनिया लाभ उठाएगी। अरे अभी तो आप समझ ही नहीं पा रहे हो, सारे विश्व को लाभ मिलेगा, क्योंकि सारा विश्व त्राईमाम को राम कर रहा है, इस समय कोई सुनने वाला नहीं है, जब बाबा जी कहते थे कि बच्चा कि अर्वम परमाणुम ये तो सीमित क्षेत्र को बर्बाद कर सकते हैं, लेकिन अगर कुदरत नाराज हो गई और कीटाणु बम उसने छोड़ दिया तो सारा विश्व तबाह हो जाएगा, वो तबाही इंसान के बस की नहीं जो खत्म करते, बाबा जी ने सब 60 साल में सारे हिंदुस्तान को घूम घूम के सबको बता दिया, लेकिन किसी ने सुना भी नहीं और समझा भी नहीं, क्योंकि तुमको मालूम नहीं है कि आगे कैसा समय आ रहा, कितना खराब, कितना खून खराबा बहाने वाला होगा, ये समझ में किसी के नहीं आ रहा, तो उसको तो पहले कहा था कि अगर तुमने अपना खान पान अच्छा न किया, जिसके लिए भगवान को धनुष्वान उठाना पड़ा था, कुंभकर्ण को क्यों मारा, उसके जैसा बलवान कोई था नहीं सृष्टि में, लेकिन भगवान राम ने क्यों मारा, कि शराब पीता था, मांस खाता था, इसने वध किया, तो कम से कम कुंभकर्ण का वध अगर लोग याद रखते और भगवान राम के कानून को याद रखते तो देश में ये गंदा खान पान कुछ नहीं होता
और ये सब बेचारे इस तरह परेशान दुखी गरीब नहीं हो पाते। लेकिन बात आप मानते नहीं हो, समझते नहीं हो। अरे मैं इतिहास उठा लो, हमारी न मानो तो इतिहास की तो मान लो क्या कह रहा है। अरे भगवान की तो मान लो, चलो हम इंसान है, हमारी नहीं आप मान पा रहे समझ पा रहे, तो भगवान की तो बात मान लो। जो भगवान बन के आया यहाँ पर काम किया, उसने कैसे किया, क्यों किया, क्या जरूरत पड़ गई उसको, उनसे कम समझो तो ही, और नहीं तो कुदरत मार के समझा दे। एक छोटा सा फार्मूला उसने फेंका, उसी में सारा विश्व सोचने लगा, सारी सोच बुद्धि की खत्म, कोई नहीं सोच पा रहा। और हमने कहा भाई जब तुम जान नहीं पाए हो तो नाम कैसे रख दिया। भाई नाम तो कोई चीज सामने होगी तभी तो उसका नाम रखा जाएगा। तुमने बीमारी की कोई दवा अभी तक नहीं बना पाई तो फिर नाम करोना क्यों रख दिया, ये नाम क्यों रख दिया करोना। क्या क्या ना करो बात तो करोना तो ये बता रहा कि तुम करो ना, तुम गंदा खान पान करो ना, गंदे कर्म करो ना, दूसरे को मारो काटो सताओ ना, झूठ छल कपट बेईमानी करो ना, धोखाधड़ी बेईमानी करो ना, ये तो सबसे बड़ा करो ना ये बता रहा। और कहा कि अगर नहीं मानो फट से तुम्हारा मुंह बंद कर दिया। ये मांस क्या है, तुम्हारा मुंह बंद किया गया कि मुंह से कोई निंदा आलोचना बुराई मत करो, मुंह से गंदा खान पान मत करो। यानी मतलब ये सब इशारा तो सब कुछ हो रहा है, अब इशारे को तो कोई समझदार समझता है, जहां सब ना समझदार हो तो इशारे को क्या समझे। मैं एक डॉक्टर के पास गया तो सब वहां मास्क लगाए बैठे थे, कहा महाराज आप मास्क नहीं लगाते हो। हमने कहा हम मास्क खाते नहीं, हम क्यों मास्क लगाए, जो मास्क खाता हो भाई मास्क लगाए, अपना मुंह बंद करे कि मास्क नहीं खाएंगे, और तुम करते सब ये कपड़ा लगाने से क्या हुआ। एक कपड़ा लगा दिया तो क्या बीमारी नहीं आएगी, और कपड़ा लगा दिया और करोड़ों रुपए का व्यापार कर लिया और बीमारी बढ़ती जा रही। कोई नियंत्रण हो रहा है, कोई कंट्रोल हो रहा, कोई समाधान, कोई विकल्प है इसका, कम से कम विचार करना चाहिए। विचार कहां से करेंगे जब को विचार पहले घुस गया। तो देख लीजिए आप सभी, करोड़ों रुपए का व्यापार हो गया मास्क कपड़े, इतने बड़े कपड़े का करोड़ों रुपए का व्यापार, ये सब क्या है, क्या है। अरे जो कर रहे हो धन के लिए, क्या यहां से एक पाई लेके जा सकते हो। जो जा रहे उनको देखिए, करोड़ों और हजारों करोड़ों अरबों खरबों तुम पैदा कर लो, इकट्ठा कर लो, भारत की जनता से चुरा के रख लो, लेकिन तुम ले जा सकते हो, तुम्हें तो नंगे ही जाना पड़ेगा। फिर ये अपराध किस लिए करते हो, फिर इसके लिए फिर आना पड़ेगा। ये कर्म कर जा, ये भुगतान है, ये मतलब बनाई व्यवस्था, इससे कोई अलग नहीं हो सकता। काया से जो कारज हुई बिन भोगे बचे नहीं कोई, जो शरीर इंद्रियों से आप अच्छा बुरा कर डालोगे उसका परिणाम भोगना पड़ेगा। फिर तुम आओगे बैल घोड़ा खच्चर गधा बन करके इस कर्जे का भुगतान करोगे। इनको नहीं मालूम है कि करोड़ों भारत की जनता का तुमने ये सब ले लिया, ये कर्जा बन गया है, आपको देना पड़ेगा। इनको ये विधान मालूम नहीं, इनकी तो आंखें बंद हो गई कुछ दिखाई नहीं दे रहा, कान बंद हो गए कुछ सुनाई नहीं दे रहा, बुद्धि एकदम फेल हो गई, अच्छा बुरा समझ नहीं पा रहे, पहचान कर ही नहीं पा रहे। तो अभी इसीलिए गोस्वामी महाराज ने राजनीति व्यवस्था राजनीतिक लुक करने वालों के लिए पहले इशारा कर दिया कि ये सब आप देखिए, इशारा किया कि जा सुराज प्री प्रजा दुखारी, स्वर्ण पवस नरक अधिकारी, जिसके रात में शासन में प्रशासन में जो प्रजा है वो अगर दुखी है तो राजा नरक में जाएगा। ये संतों का कानून नहीं पड़ा, ये रामचरितमानस को तो बहुत मानते हैं, विश्व प्रसिद्ध ग्रंथ है, विश्व मानता दी, विश्व ने मानता दे दी रामचरितमानस को, कि ऐसा पारिवारिक सामाजिक और व्यवहारिक और नीतियों का कोई ग्रंथ नहीं है जैसा रामचरितमानस। क्यों नहीं इसको पढ़ते हो, क्यों नहीं विचार करते हो, क्यों अपने ऊपर लागू नहीं करते हो। अगर नहीं करोगे तो क्या धर्म के अंतर्गत तुमको माना जाएगा। तो ये सब बात सबके सामने आके खड़ी हो गई और ये मजबूर हो जाएंगे, आप देखते जाइए किस तरह। वो तो बाबा जी ने पहले ही
स्पष्ट कह दिया कि अगर आपने ये खान पान ठीक न किया, कर्मों को ठीक न किया, न्याय नीति को नहीं समझा, धर्म धर्म पाप पुण्य को नहीं समझा, इससे नहीं अलग हो पाए हो, तो एक दिन सारा विश्व कुदरत के चपेट में आके खड़ा हो जाएगा। और इसको संभालने वाला, इसकी रक्षा सुरक्षा संरक्षा हिफाजत करने वाला कोई नहीं रहेगा। तो कहा था कि बच्चा एक दिन कुदरत के चपेट में सारा विश्व खड़ा हो जाएगा। जो ये जिम्मेदार लोग अपना परिचय अपना अधिकार क्या है, जो काले नीले पीले हरे लाल झंडे लिए घूम रहे, ये अपने अपने झंडों को फेंक कर अगर तुम्हारे छह गुरुदेव प्रभु नाम के झंडे के नीचे अगर ना आ जाए तो इस बाबा को बाबा मत कहना। ये तो जय गुरुदेव महाराज ने पहले ही आपको इशारा कर दिया। इशारे तो हमेशा ही हो रहे हैं। अब इशारे को तुम न तब समझा न अब समझा, तब और अब तुम्हारी समझ में आई ना, ये तब क्या है और अब क्या है, और तब और अब जब खत्म हो जाए तब क्या होगा। जय गुरुदेव। आप सेवा में चलिए, बड़ा विस्तार है, इतने दुख तकलीफ संघर्ष आ गए हैं कि बयान करने में कितना जीवन निकल जाएगा, ऐसा हो गया। मैं तो इशारा कर रहा हूं भी तो आपके सामने, समझ लो तो अच्छी बात है, मैं आगे समय और खराब है, जिसके बारे में अनुमान कोई नहीं लगा सकता, कोई सोच भी नहीं सकता। महात्माओं ने तो सब बताया, क्योंकि महात्मा त्रिकालदर्शी है और तुम त्रिकालदर्शी और दूरदर्शी तो हो नहीं कि तुम दूर तक देख सकते हो, दूर तक समझ सकते हो, दूर तक सोच सकते हो, और सबके कष्ट मुसीबत को दूर करने के लिए तुम्हारे पास कोई भूमिका व्यवस्था है, उसी का नाम तो दूरदर्शी है। इसे भी अभी नहीं समझ पाए लोग, इस पर कोई विचार नहीं कर पा रहा, तो पहले भी इशारा आज भी इशारा हो रहा है। अलग कोई बात नहीं की जाती, कोई मिलावट की बात नहीं, कोई इधर उधर फिरके की बात नहीं होती। शुक्रिया। जय गुरुदेव। अब आप अपनी बड़ी सेवा में चलो, जब कोई सेवा ना हो तो इसकी निगरानी करो, चारों तरफ सब लोग, किसी तरह कोई नुकसान बच्चे हैं उनको तो मालूम नहीं, कोई काल का भूत प्रेत लेके आ गया, क्योंकि भूत प्रेतों को भी और कहीं शांति नहीं है, उसको भी सत्संग में शांति मिलती तभी तो आते हैं वो इसीलिए तुमको नहीं छोड़ते कि तुम सत्संग में चलोगे हम भी चलेंगे, तुम्हारे साथ सुनोगे हम भी सत्संग सुनेंगे, तुम्हारे पर दया होगी मेरे पर भी दया हो जाएगी, इसीलिए तुम्हारे शरीर पर सवार है। तुम उनके पास जाओगे, तुम्हारे तुमको देखेंगे, दया दृष्टि हमको भी मिल जाएगी, जब हाथ रखेंगे वो लाभ हमको भी मिल जाएगा, और तुम वहां जाओगे झंडे की परिक्रमा करोगे तो हमारा भी ये 84 का परिक्रमा जो है ये धीरे धीरे खत्म हो जाएगी, ये झंडा ये काम करेगा। अभी तक झंडे की बात समझ में लोगों को नहीं आई है कि झंडा क्यों लगाया था, हमने झंडा नहीं काम कर रहा, ये झंडे में लिखा क्या है, जय गुरुदेव राम प्रभु का हमने ये नाम काम कर रहा, ये काम कर रहा है, ये सब तुम्हारे सामने हो रहा है, और उसके बदले आपसे कुछ लिया नहीं जा रहा, ये तमाम तांत्रिक लूट लेंगे तुमको, और यहाँ कुछ नहीं, यहाँ सब लेना ही लेना, आपको देना कुछ नहीं, केवल गंदगी दे दो, गंदे कर्मों का संकल्प करके यहाँ सब ये उतार जाओ, ये भूमि ऐसी है, ये सब काम तुम्हारा कर देगा। जय गुरुदेव। अब आप सेवा में चलो, कोई सेवा ना हो तो इसकी निकरानी है, अच्छे बच्चे ना आने पावे, ये भूत प्रेत लेके कुछ आ गए हैं, इनको भी से देखिए आप, क्योंकि ये दयाल की व्यवस्था है, ये गुजारने बिगाड़ने का काम करेंगे सब, ये आप सुनते रहिए आप, मैंने कहा फौरन उसके हाथ पीछे बांध दूंगे तो कुछ नहीं कर पाएगा, धीरे धीरे चला जाएगा फिर, ये सब समझो करो आप किस तरह से क्या क्या काम आपको करना। अब आप चलिए सेवा में, मैं आपसे शाम को मिलूंगा।